इंडियन कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें। अभी अभी खबर मिली है कि पुरातत्व विशेषज्ञों को सॉरी अगर अंग्रेजी में कहें तो आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स को 10वीं सदी की मशहूर रियासत छानपुरा के कुछ खास निशान मिले हैं। आइए हम यह देखते हैं कि मुंबई शहर से कुछ ही दूरी पर हुई इस दीवार की खोज का भविष्यकाल यानी फ्यूचर, भूतकाल यानी पास्ट और वर्तमान काल यानी प्रेजेंट पर क्या असर हो रहा है। एटा की इतना पुलिस क्यों है? सर, लगता है चिंदी चोर को ढूंढ रहे हैं। चिंदी चोर? हाँ, सुना है वो आंखों से काजल ही नहीं चुराता है, दिन का चैन और रातों की नींद भी चुरा लेता है। चलते हैं भाई। हाँ चलते हैं, इधर से ताड़ा ताड़ी चलते हैं। पालाओ भाई पालाओ। अरे अपन बैग को, हमारा बैग किधर है? हेलो चिंदी, चिंदी चोर खेचे घोषाल, मुझे मालूम है कि तेरे पास 10वीं सदी के राजा बबूशा का बहुत कीमती ताज है। उड़ी बाबा। जो संडे को तू एग्जीबिशन में पब्लिक को दिखाने वाला है, पब्लिक उस ताज को देखेगी जरूर, मगर आखिरी बार, क्योंकि चिंदी उस ताज को चुरा ले जाएगा। अरे नाना नाना, इस शहर में
चोरी चकारी के वारदात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। शहर में तो क्या, पूरे देश में जुर्म बढ़ गया है, और इस जुर्म को मिटाना होगा, और इसे हम मिटाएंगे। हमारी सुरक्षा पार्टी मिटाएगी। हमारा नारा है, हमें जिता दो, जुर्म को मिटा दो। भले राम जी। देखना देखना देखना, सारे संसार तुम देखना, आगे चलकर हमारी सुरक्षा पार्टी सुरक्षा मंत्रालय कराएगी, और हम इस देश के सुरक्षा मंत्री कहलाएंगे। भले राम जी, भले राम जी। एक मिनट, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। देखिए, इतना आगे मत बढ़िए, अब आप नेता ना ही रहे। 7 बार इलेक्शन हारने के बाद 5 महीने पहले आपने ये सिक्योरिटी एजेंसी खोली है, जिसका आज तक एक भी कॉन्टेक्ट नहीं आया। और ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, अच्छा है, ये बिना तनख्वाह के नौकरी कर रहे हैं। और इसका पहले 8 सिक्योरिटी गार्ड आपका भाषण सुन सुनकर बाहर भाग चुके हैं। अगर ऐसा ही भाषण जारी रहा तो ये 6 भी 9 2 11 हो जाएंगे, आप देखते रह जाओ। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, हमको क्या करना चाहिए? देखिए, भाषण बंद कर दीजिए, सब सुखी हो जाएंगे। अरे ना टाइम देखते हैं, ना जगह देखते हैं, शुरू कर देते हैं भाषण। ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अरे तो काम ढूंढना भी तो जन्म सिद्ध अधिकार है कि नहीं? अरे कोई काम नहीं देता तो हम क्या करें? टाइम पास करने के लिए कुछ तो करना चाहिए। अरे यार, ये कौन दरवाजे की घंटी बजा रहा है? अरे दरवाजे का नहीं, 5 महीने में पहली बार ई फोन का घंटी बजा है। उठाइए उठाइए, नहीं तो बंद हो जाएगी। उठाइए, बज गया यार। हेलो, नहीं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रॉन्ग नंबर रहा ना? नहीं यार, ये कौन सदी चल रही है? 21। तो 10वीं सदी के महाराज बबूशा की ताज की सिक्योरिटी का हमको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अरे ये तो राजा बबूशा का क्राउन है। ये आंटी, ये तुम्हें मालूम है राजा बबूशा के क्राउन का एग्जीबिशन है? अरे बबूशा का किंगडम छानपुरा पे, मैंने कॉलेज में थीसिस भी लिखा था। ये साला 10th सेंचुरी का लोग बहुत पैसे वाला था, और क्या लाइफ था, 40-40 वाइफ था, और अपुन का नसीब में साला एक भी। और आंटी तुमको मालूम, उसका किंगडम में एक बहुत बड़ा घंटा था, उसकी आवाज से लोग उठ जाता था, और वहां का लोग सोना का लोटा लेके बाथरूम जाता था, सोना का लोटा। बाय गॉड आंटी, हम सोचता है हम भी मैजिक पावर से 10th सेंचुरी में चला जाए, फिर हमारे पास भी सोना का लोटा, सोना का बाथरूम, सोना का शावर, सोना ही सोना। तू मक्का लाइफ सोने के अलावा किया क्या? सोना माने गोल्ड आंटी, गोल्ड। ये देखो 10th सेंचुरी के बारे में, ये देखो, पहले ये सेंचुरी में अपना लाइफ संभालो, समझा तू? ओ माय गॉड, कितना टाइम हो गया ला है, कितना काम पड़ेला है मेरे को। पहले तो खड़ूस तावड़े की दुकान में जाकर बिल भरने का है, इलेक्ट्रिसिटी के लाइन में भी खड़ा होने का है, फिर अज्जू वी के काम को ब्रेकफास्ट भी बनाने का है। ए जॉनी, ए तुमको फोटो स्टूडियो में नहीं जाने का है क्या? बैठ के पेपर पढ़ता है, जाओ ना। ना कैसे ना आएगा वो अज्जू अभी तक बाथरूम में? हाँ, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, तारा री री रा 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 री रा रा। अबे कोई है? विकी के बच्चे, तूने पानी बंद किया? विकी बंद नहीं किया, आम किया। ओह दिया आंटी, आप 7 महीने से भाड़ा नहीं दिया, वाटर का टैक्स कौन भरेगा, तुम्हारा बाप? नहीं नहीं आंटी, बस डैडी बस पैसे भेजने वाले होंगे। तुम्हारा डैडी हमारा माफे की इडियट नहीं है जो तुम्हारा बात में आ जाएगा। इतना बड़ा घोड़ा हो गया, तुमको शर्म नहीं आता डैडी से पैसा लेता है? आंटी आप फिक्र मत करो, मैं इंटरव्यू दूंगा, नौकरी भी करूंगा, पर प्लीज ऐसा तो नहीं जा सकता ना, आप पानी ऑन करो, साबुन धोके मैं जाता हूँ। टॉवल से पोंछ कर बाहर निकलो, पानी खलास। टूट गया, टूट गया। जीसस, इतना बड़ा नुकसान, तुम हमारा फर्नीचर तोड़ डाला। वो आंटी वो नया टेक्निक सीख रहा था, वो प्रैक्टिस एकदम सॉलिड लग रहा था, मालूम नहीं कैसे टूट गया। आउट आउट, निकलो हमारे घर से बाहर, निकलो निकलो निकलो, मुफ्त का खाता है, मुफ्त का रहता है, ऊपर से हमारा फर्नीचर भी तोड़ता है, गेट आउट, जाओ। अरे तुम जाता क्यों नहीं? कैसे जाऊं, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन, मैं ठहरा बेसहारा अनाथ। आप भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो मैं कहां जाऊंगा? माँ, तुम हमको माँ बोला, मेरा बच्चा। इसकी बातों में मत आना आंटी,
कल वो दुकानदार है ना अपना खड़ूस तावड़े साला, उससे उधार लेने के चक्कर में उसको अपना बाप बना रहा था। छी, देखो तुम लोग सीधे तरह हमारा 10,000 rupees दे डालो बस। क्या? जब तक हमारा पूरा का पूरा भाड़ा नहीं देगा। आंटी पर वो तो 9,500 rupees है ना, है ना? और जो अभी टेबल तोड़ा उसका 500 नहीं लेंगा क्या? अरे एक सेकंड, पर मैंने थोड़ी ना तोड़ा। अरे ठीक है यार, वो मैं वो काम मिलते ही वो सब चुका दूंगा। काम मिलते क्या मतलब? वो तुमको एक्टिंग वैक्टिंग का काम मिला था, उसका क्या हुआ? अरे आंटी वो भी कोई काम है क्या? 100 actor में मैं भी एक। अरे क्या आंटी, ये जो आपका विकी है ना आंटी, विकी ये बहुत बड़ा हीरो बनने वाला है। अच्छा, इमेजिन राम गोपाल वर्मा की मुझ पर नजर पड़ेगी, वो सुभाष गाय से मेरी सिफारिश करेंगे। हाँ। सुभाष गाय मेरे को बोलेंगे, विकी तू बॉलीवुड में क्या कर रहा है, तुझे तो हॉलीवुड में होना चाहिए। हाँ। वो बोलेंगे जा विकी, जा स्टीवन स्पीलबर्ग से जाके मिल, स्टीवन स्पीलबर्ग तो मुझे रोल दे ही देगा आंटी। जरूर, चिकन रोल या मटन रोल। मतलब तुम काम छोड़ डाला? अरे छोड़ो ना आंटी, साला बैठे बैठे सारा दिन फेंकता है। ये बताइए आज आप हमारे सामने क्या फेंक रही है? क्या क्या मतलब नाश्ते में क्या दे रही है आंटी? नो नाश्ता वास्ता, तुम दोनों अभी कान खोलकर हमारा बात सुन लो। हाँ, तुम बैग करो, बोरो करो या स्टील करो, no. मतलब के भीख मांगो, उधार मांगो, नहीं तो चोरी करो, लेकिन 7 days के अंदर अंदर हमको हमारा मनी मांगता बस। डू यू गेट इट? डू यू गेट इट? कल हमको काय को फोन नहीं किया? आंटी घर पे था ना। ओह नो प्रॉब्लम, ये देखो हम तुम्हारे पास से लाया। ओह वाओ, लेकिन जॉन इसे सिर्फ मेरे को फोन करने का। ओके। और फोन नहीं किया तो मैसेज करने का। ओके। और इसके बारे में आंटी को नहीं बोलने का। ओके। आंटी हम तो थोड़ा शुगर मांगने आया था। ये लो शुगर, हमको मालूम था तुम ही चाहे होगा। ओके जॉन, हम कटोरा देने वापस आएगा। नो नो नो, ये कटोरा भी तुम्हारा ही है, पिछला टाइम इधर रह गया था। बाय जॉन। बाय बाय बाय। ए जॉनी इधर देखो, तुम मारे जैसा डेंजर चोकरे से तुमको दूर रहने का, समझा? तुम उसका कपड़ा तो देखो, जितना पहनता उतना भी पहनने का क्या जरूरत है? आई नो। शट अप, तुम्हारा मदर को प्रॉमिस किया अच्छा छोकरी को देखकर तुम्हारे साथ शादी बनाएगा, लेकिन ये मारिया वारिया ठीक नहीं है। हाँ हाँ, अभी सैंड्रा रूबी और किटी के बारे में भी आप ऐसा ही बोलता था आंटी। बनाएगा, बोल देना बनाएगा। अच्छा शुक्रिया, मंगता कि नहीं मंगता? मंगता है ना। अब जाओ काम पे जाओ, ये तुम्हारा 20 rupees। 20 rupees? 9 rupees बस में जाने के वास्ते, 9 rupees वापस आने के वास्ते। 2 rupees बचेगा, क्या करेंगे? क्या करूंगा? चॉकलेट खाएगा बच्चा। ये मारिया वारिया नहीं। हाँ जीसस क्राइस्ट, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो गया मेरा शादी। ऐसा अपन लोगों के साथ ही क्यों होता है यार? क्या होता है? यही कि जॉनी को मारिया नहीं मिलती, मेरे को पिक्चर में रोल नहीं मिलता, और अज्जू तुझे नौकरी और छोकरी दोनों ही नहीं मिलती। हाँ यार, ये तो सोचने की बात है। चलो सोचते हैं। ये सोच लिया। सोच लिया? हाँ। खोपड़ी है खाली जिसकी, वो अमीर साहब है, एंड बैंड थोबड़ों को मिलती में साब है। मोती खाए कौआ रोज मारे पौआ, सबकी ऐश है बस अपना टाइम खराब है। ये भी कोई लाइफ है यार, पासपोर्ट साइज। जिसको देखो पैसा बना रहे, सबका लॉटरी लगता है, लेकिन आप उनका? सॉरी बॉस, कभी नहीं। सबकी ऐश है, सब मजे में है, सबकी मस्तियाँ बेहिसाब है, ना जाने क्यों बस अपना भी टाइम खराब है, टाइम खराब है। टाइम खराब है, टाइम खराब है, टाइम खराब है।
लव मारिया, शी इज माय डार्लिंग, माय जान एंड जिगर। पर क्या बताऊं यार, प्रॉब्लम ये है कि अपुन के पास भी पैसा नहीं है। हाउ सैड यार। ऐसे मैरिज का बात भी करेंगा, हम तुम दोनों का टम तोड़ देंगा। क्या करेगा साला, ओनली अपुन का टाइम खराब है। मेरे लिए भी जो कोई बेकरार होता, मेरे वो लगाती मेरे आजू बाजू आंखों पीछे नखरे, मेरे भी होते चला जाता आंखें पीछे इतना सा ही तो चाहा था, लेकिन ना जाने क्यों बस अपना ही टाइम खराब है। टाइम खराब है, टाइम खराब है, टाइम खराब है। खाब है कैसे होंगे सच, अभी तो टाइम खराब है। बहुत हो गया गाना बजाना, कल तक तुम दोनों को कोई काम नहीं मिला तो तुम भी आउट, तुम्हारा बोरिया बिस्तरा भी आउट, समझा तुम? एंड दिस टाइम इट इज फाइनल। वांटेड इंजीनियर। अबे इतने पढ़े लिखे होते तो यहाँ थोड़ी ना होते। वांटेड डॉक्टर। कंपाउंडर डोंट कंपाउंडर। चुपे साला। वांटेड मैनेजर फॉर टीस्ट। क्या लगा रखा है यार, बंद कर। अबे तुझे कोई फिकर विकर है कि नहीं है? आंटी ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर नौकरी नहीं मिली तो बोरिया बिस्तरा उठाकर घर से बाहर निकाल देगी, फिर यहाँ बैठकर चने चबाइयो। साला अब तो चने खरीदने के पैसे भी नहीं है। ओए तू तो सुभाष घई के पास जाने वाला था। हाँ गया था ना। अच्छा क्या हुआ? फिर से ऋतिक को साइन कर लिया। ए विकी, हमारी सुरक्षा पार्टी ने जॉनी को राजा बबूशा के ताज की एग्जीबिशन पर गेट की सिक्योरिटी का काम दिया है ना? हाँ तो? अबे उसी हमारी सुरक्षा पार्टी का ऐड है, उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। क्या बात कर रहा है, दिखा। अबे हाँ यार, ए चल ना, जॉनी को बोलते हमारी सिफारिश लगाए। चल 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 चल। हाँ चल। देखो भाई, तुम लोगों को ताज की एग्जीबिशन की सिक्योरिटी का ठेका देकर हमारा मोन कहता है कि हम बहुत बड़ा गलती किया है। तुम्हारे छोका लोग कुछ नहीं कर पाएगा, वो चिंदी चोर हमारा ताज लेकर भाग जाएगी। हेलो चिंदी। कौशल, तू जितनी मर्जी सिक्योरिटी लगा ले, एग्जिबिशन से ताज चिंदी चोर चुरा ले जाएगा। इस नहीं मिस। सुन, वो ताज तो गया तेरे हाथ से, फिलहाल चिंदी तेरी कार चुरा ले जा रहा है। कार? आमर कार? मेरा कार? अरे भाई थोड़ा थोड़ा थोड़ा, हमारा गाड़ी का भाग जाती है वो। अरे भाई
शराफत ही नहीं रहेगा। हमको पता था तुम्हारा छक्का लोग कुछ नहीं कर सकता है, हमको दूसरा बंदोबस्त करना पड़ेगा। एक चांस और दो सर। नहीं 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 भाई, चांस बंद से कुछ नहीं होगा, दूसरा बंदोबस्त हमको करना पड़ेगा। सर क्या है? सर हमें जॉनी ने भेजा। सर कौन जॉनी? सर वही कैमरामैन जिसे आपने अपने एग्जीबिशन के एंट्रेंस की सिक्योरिटी पर रखा है, उसी ने भेजा सर। अरे भेजा तो हमारा भेजा, क्यों खाता देखता नहीं, बात कर रहा है। फोन उठा। हम और सिक्योरिटी वाला रख लेंगे। अरे किधर से लाएगा तुम और सिक्योरिटी वाला? हमारे आम के गाछ पाड़ के लाएगा। सर एक कतना सर दुखने लगाया। सर हम नौकरी ढूंढने आए सर। तो पहले का ही नहीं बोला सर, पूछे ही नहीं। कोई फोन नहीं उठाता सर। आप कहाँ गए थे? हम सिक्योरिटी वाला चाहिए है। दो आठ हो गए, तगड़ा लोग। चलेगी? अब चलेगा क्या? टाइम भी तो नहीं है। ठीक है चलेगा। सर सब ठीक तो है? तुम हमसे पूछ रहे हो? यही हमको तुमसे पूछना चाहिए। बाज की तरह फैल जाओ और चारों तरफ गीत की नजर रखो, कहा समझे? यार बाकी सब तो ठीक है, मगर ये चारों तरफ क्यों? हमें तो सिर्फ ताज पर नजर रखनी है ना। जो ये बोलता है हाँ? वो करते हैं। चारों तरफ नजर रखते हैं। ओके ओके। हेलो, हाय मारिया। अरे मैया, गोशाल बाबू का ताज का एग्जीबिशन है, वहां पे हूँ। काम में फंसा हूँ यार, टाइम कहाँ मिलता है। गेट पर ही खड़ा हूँ। वो चिंदी चोर को एग्जीबिशन में घुसने नहीं देना है ना, सवाल ही नहीं होता। मेरे होते हुए घुस ही नहीं सकता हो। हेलो, या प्लीज वेलकम। थैंक यू। नो चांस। क्या ब्यूटीफुल। क्या फायदा, चिंदी चोर इसे भी चुरा ले जाएगा। ए बाबू, देखो देखो देखो, सब लोग कह रहा है कि चिंदी चोर कुछ नहीं कर सकेगा, हमरे सिक्योरिटी वाले उसको साले को अंदर नहीं आने देंगे। चिंदी चोर बहुत चालाक है, वो कब आता है कब जाता है पता ही नहीं। अरे तो हमारी पार्टी का आदमी होकर हमरे खिलाफ बात करता है, नाक तोड़ देंगे तेरी। चल जाके अपना काम कर, बदतमीज साला। संभाल के भाई साहब, मूंछ संभाल के मैडम, पर्स संभाल के भाई साहब, चश्मा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी हमारा जो एग्जीबिशन है वो लंच ब्रेक के लिए बंद होती है, तो आप लोग साफ बाहर जाइए और आधा घंटे के बाद भात खा के वापिस आ जाइएगा। ये सब जो सामान है वो सबका बोली 6 बजे के बाद होगा। अभी आप लोग जाइए 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 चलो 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 हाँ भाई चलो बाहर जाओ चलो चलो। गोशाल बाबू चल के थोड़ा भोजन वोजन कर लेते हैं। हमारी भूख मर गई है, हम ताज के पास ही, आप जाइए जाइए। का है, हमारी सिक्योरिटी है ना, फिर का चिंता के बाद है। इधर आप। यस सर। तुम इधर आप। सर। तुम लोग ये ताज पे बहुत कस के निगाह रखना, समझे? खुश चलो। हाँ खुश, नजर रखना, हमारा जिगर है। चलो चलो। इतने सारे गार्ड में से हम दोनों मिले थे क्या? वो भी लंच टाइम पे। ज्यादा बोले तो बोल दूंगा। सॉरी। ताज पे बात, चलो ड्यूटी पे चलिए। सिक्योरिटी। अरे भाई साहब, देखिए आप आधे घंटे बाद आइए, अभी लंच ब्रेक है। देखिए मुझे तो अभी जाना है, बहुत जोर से लगी है। बताइए बाथरूम कहाँ है? हाँ इस तरफ। नहीं उस तरफ है। उसे कुछ नहीं मालूम, इस तरफ है। उस तरफ है। अबे मेरा पेट खराब है, मैं गया था, इस तरफ है। उस तरफ है यार। यार मैं कैसे बताऊँ? अरे आप लोग डिसाइड क्यों नहीं कर लेते? अब उधर देख कर आइए, अब उधर देख कर आइए और मुझे जल्दी बताइए। जाइए जाइए। ओके। चिंदी चोर तुमको नहीं छोड़ेगी। तुम्हारा सिक्योरिटी एजेंसी का लाइसेंस नहीं कैंसिल किया तो हमारा नाम भी घोषाल नहीं है। नहीं सर ऐसा मत करो, बड़ी मुश्किल से लाइसेंस मिला है, नहीं तो हम बर्बाद। अरे तुम लोग खड़ा खड़ा मुंह क्या देखता है? बताओ चिंदी चोर का हुलिया कैसा था? मुझे थी सर। नहीं नहीं सर, चिकना था। मुझे थी सर, चिकना था। खामोश, तुम बताओ, तुम ही ने तो उसको अंदर आने दिया था। वो तो अंदर खुद घुस गया, मैं तो कैमरा पे था। तो फिर क्या कैमरे में उसका फोटो क्यों नहीं आता है? मिस्टर इंडिया होगा, इनविजिबल होगा। मेरे को तो लगता है ई ई और ई तीनों ही मिला है चिंदी चोर से। मैं अभी पुलिस को फोन कर। पुलिस? खामोश,
हर मुजरिम को उसके जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। आज देश का नौजवान चोरी करने लगा है, देश का भविष्य खतरे में है। आज जुर्म को नहीं रोका गया तो कल बिल्कुल नहीं रुकने पाएगा। तनिक तनिक रुकिए, अगर अभी नहीं पकड़े तो फिर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। का मतलब? वो सब भाग रहे हैं। हैं? सर, वो लोग भाग गए। भाग गए। पुलिस! अरे यार, लोचा हो गया, पकड़े गए तो? अभी कुछ नहीं होगा यार, थक हार के भूल जाएंगे। चल 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 चल। What? इतना जल्दी पोस्टर भी लग गया? Yes, और उन लोगों पर 10,000 का इनाम भी है। इंस्पेक्टर छत्रीपाल, ए छत्री बंद करो, हमारा छत्र बकता नहीं, समझा तुम? और तुम, तुम्हारा हिम्मत कैसा हुआ हमारे बच्चों लोगों का पोस्टर छापने का? अरे मैंने कहा छापा? नहीं, वो तो कानून ने लगाया, और अच्छा लगाया, क्योंकि तुम्हारा छोकरा लोग एक नंबर का चोर है। नहीं, हम बैग बोरो स्टील बोला था, वो बैग कर सकता था, बोरो कर सकता था, लेकिन स्टील। ओहो, इसका मतलब हुआ कि आपने उनको राय दिया चोरी करने का। कैसा इडियट के माफक बात करता है तुम? ए, इसको इंस्पेक्टर कौन बना है रे? अगर आम, लिसन ओल्ड वुमन, हमको मालूम है कि वो तीन छोकरा लोग तुम्हारे पास जरूर आएगा, और जब वो लोग आएगा तो आप उनको पकड़ करके पुलिस स्टेशन लेकर के हमारे पास। स्टेशन नहीं, सीधा कब्रिस्तान पहुंच जाएगा। देखो तुम, देखो तुम, दफा 302 लग जाएगा ओल्ड वुमन। वो तो तभी लगेगा ना, लेकिन अभी अगर 2 मिनट के अंदर तुम लोग हमारे घर से नहीं गया तो हमको अभी का अभी दफा 302 लग जाएगा। सर, यहाँ से चलते हैं, इसकी तो उम्र गुजर गई है, हमें तो अभी बहुत दिन देखने हैं। हाँ, हम जाते हैं, जाते हैं, चलो चलो। हेलो, मर गया जॉनी, उसका नाम ही मत लेना मेरे सामने। हाँ, मालूम है, मालूम है कि तिरुजन चोरी नहीं कर सकता है, लेकिन ये सारा गड़बड़ इनकी वजह से ही हुआ है। डिसूजा हाउस का तो नाम ही बदनाम कर दिया, हमारा मुंह को काला कर दिया। नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब तक ये लोग असली चोर को नहीं पकड़ेगा और क्राम को उसके असली मालिक तक नहीं पहुँचाएगा, हम जीसस का कसम खाते हैं इनका थोपड़ा भी नहीं देखेगा। यार, आंटी ने तो कसम खा ली। बॉस, अब तो कुछ भी करके ताज को ढूंढ के लाना ही पड़ेगा। अरे कहां से लेके आया यार, वो तो चिंदी चोर लेके गया है। हाँ, तो चिंदी चोर को ढूंढते हैं। हाँ, वो कोई बकरी का बच्चा है ना कि दौड़े और पकड़ लिया। यार जॉनी, देख यार, ये मेरी हर बात काटता क्यों रहता है यार? यार तुम लोग झगड़ा मत करो, पहले प्रॉब्लम सॉल्व करो प्लीज। कैसे करे यार? चिंदी चोर को ढूंढेंगे और क्या। अरे पर कहां? वो जहां होगा वहां। अरे पर होगा कहां? ये देख, मैंने कहा था ना इधर होगा। चल। हाँ। क्या रे चिंदी चोर, तू क्या समझता था भाग जाएगा? सॉरी, पर यार ये तो चिंदी चोर नहीं है। अरे ये तीनों तो यही है। अरे हाँ, ये तो यही है। भाग! शेर सिंह चाय, शेरों की पसंद। शेरों की पसंद? अरे तुम गीदड़ों की पसंद के लायक नहीं हो। काहे? यहाँ हमारा सिक्योरिटी का लाइसेंस छिन रहा है। हम तुमको 3 लुच्चा लोगों को पकड़ने को बोला, तुम यहाँ गीदड़ छाप चाय छोड़ा। नहीं नहीं, शेर छाप है। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने वो 3 लोगों को नहीं पकड़ा तो चाय पीना तो एक तरफ, हम तुमको सांस लेने नहीं देंगे। अरे रुस्तम जल्दी उतर, नहीं बापरे तो खरेगा घनोज बुड्ढा थे। बच गई। कहाँ बच गई? सांस। काहे? वो देखिए कौन है लोग। अरे वही तीनों लफंगे हैं। अरे अरे अरे, तो 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 अरे जल्दी कीजिए, अरे नहीं जल्दी। ओ खुदाई पकड़, पकड़, अरे खुदाई पकड़ी। ओ
लड़की तो कहाँ लेके जा रहे हैं यार? मुझे क्या मालूम, तू बोले तो गाड़ी रोक देता हूँ। रोकूं क्या? अबे पागल हो गया क्या? भगा भगा। ए भाई सामने दीवार है, ब्रेक मार। ब्रेक मार। अरे बेटा अब तो दीवार आई गई, अब कहाँ जाओगे? ब्रेक नहीं लग रहा यार, तू मरवा क्या यार? ब्रेक मार, ब्रेक मार। हो गया अपना टाटा। क्या हुआ क्या हुआ? अबे हम लोग फिल्म सिटी पहुंच गए यार। फिल्म सिटी? फिल्म सिटी नहीं, नहीं। आ, वो जो नगाड़े की आवाज आ रही है ना, वो शूटिंग के सेट से आ रही है। ओ, शूटिंग का सेट? अबे यार विकी, ये फिल्म सिटी में तो बहुत बड़ा सेट लगा है यार। अबे कहीं देवदास की शूटिंग तो नहीं चल रही? अबे चुन्नीलाल, देवदास रिलीज होके हिट भी हो गई। अबे साला फिल्म सिटी में शेर कहां से आ गया यार? अबे तू अखबार नहीं पढ़ता क्या? फिल्म सिटी के जंगल में बहुत आदमखोर शेर हैं। ए भाई ये फिल्म सिटी नहीं, ये असली सिटी है यार। अरे किसी बड़ी रियासत का सेट होगा यार। तूने धर्मवीर नहीं देखी क्या? हां वो देख, सारे जूनियर आर्टिस्ट सोल्जर बनके मार्चिंग की रिहर्सल कर रहे हैं, समझा इस पे यार? ए जॉनी, इसको सब मालूम है यार, पूरा दिन एक फिल्म के अंदर जूनियर आर्टिस्ट का काम कर चुका है ये। हाँ अरे यार वो बराबर है, लेकिन हम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे? पता नहीं, हमारी गाड़ी तो दीवार में घुस गई थी। अरे घुस गई होती तो नर्क में बैठा होता। फिल्म का स्पेशल इफेक्ट था वो। स्पेशल इफेक्ट बोला था? हाँ, तेरे को स्पेशल इफेक्ट नहीं मालूम? अरे वो फिल्म आई थी वो छोटा चेतन, अपने ऋतिक की कोई मिल गया, तूने स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म ही नहीं देखी क्या? अरे यार ये फिल्म वाले कुछ भी कर सकते हैं। चलो यार इसी बहाने भले राम से जान तो छूटी। अरे वो बराबर शूटिंग चल रही, लेकिन कैमरा कहाँ है? अरे होगा यही कहीं यार। विकी ये लोग हमें शूटिंग देखने देंगे? मैंने शूटिंग कभी नहीं देखी। ऑफ कोर्स यार, जूनियर आर्टिस्ट का कार्ड है मेरे पास। क्या बात है यार। मैं बोल रहा था ना शूटिंग का सेट है। हाँ? देख शूटिंग चालू हो गई, चलना देखते हैं। ऐश्वर्या राय की करीना। मैं गाना पिक्चर है जरा, आते को दिखाता हूँ। अरे परे तो गेट बंद हो गया है यार, लगता कोई प्राइवेट शूट है बॉस। हाँ? लेकिन तुम लोग घबराओ मत, आज मैं तुमको शूटिंग जरूर दिखाऊंगा। क्या बात है, चलो मेरे साथ। हाँ? पर ये कैमरा कहाँ है? कैमरा कहाँ है? अबे चुप बैठना यार।
से मैं तुम्हें कहां आ जा आ जा कैसी भीगी भीगी अगन है कैसी मीठी मीठी चुभन है आए मार डाली न धुरिया ये धुआं धुआं सा समा ये गीला गीला आसमां ऐसे मैं तुम्हें कहां छलके छलके आज सपनों से ये पलके जैसे सोई अरमा जाग जाते हैं मचलके ऐसे छलके छलके आज सपनों से ये पलके जैसे सोई अरमा जाग जाते हैं मचलके यूं बिना तो खोए से हम हैं गम है होश अब चैन कम है पल पल तुझको जो तू नहीं तो मेरे दिल को यूं लगा है तन्हा तन्हा आलम सोने सोने जिस मजा है एक जो तू नहीं तो मेरे दिल को यूं लगा है तन्हा तन्हा आलम सोने सोने जिस मजा है कुछ काटी के समझाओ इशारे हर धड़कन तुझे को पुकारे ऐसी ना सता धुआ धुआ सा समा गीला गीला आसमान ऐसे मैं तुम्हें कहां आ जा ये धुआ धुआ सा समा ये गीला गीला आसमां ऐसे मैं तुम्हें कहां आ जा कैसी भीगी भीगी अगन है कैसी मीठी मीठी चुभन है हाय मार डाली न धुरिया भाई वाह क्या कमाल का गाना गाया क्या बात है मजा आ गया सुपर डुपर हिट वैसे किसने गाया ये लता मंगेशकर ने ना नहीं 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 आशा भोसले है ना अरे 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 रिलैक्स हम तो बस यूं ही पूछ रहे थे कि सिंगर्स कौन है अब नहीं बताना ना बताओ अब आई मीन विकी बोलना यार हाँ वैसे कौन से फिल्म की शूटिंग चल रही है डायरेक्टर कौन है क्या? अरे मैं तो बस इनसे फिल्म के डायरेक्टर के बारे में पूछ रहा था अबे घूरता काय को बे मैं भी एक्टर हूँ ये बता इसको ए गेंडे बहुत बड़ा जूनियर आर्टिस्ट है यहाँ जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन में कंप्लेंट कर दूंगा मैं कार्ड कैंसिल होने का था अबे कान के नीचे छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे बले राम जी नहीं छोड़ बले राम जी बले राम जी कहाँ है वो कौन अरे वही तीन लफंगे अरे हमका क्या पता आप तो हम सबका गिराए के खुद ही उनका पीछा कर रहे थे लागत है वो सब आपको चकमा देके भाग गए अरे अब भले राम को कोई माई का लाल चकमा नहीं दे सकता है उस साला डर के दीवार में घुस गए दीवार में हाँ अब वो दीवार में घुसे के धरती माँ हम उनको खींच के बाहर निकालेंगे तुम खाली एक काम करो ये दीवार को तोड़ाए की फौरन तैयारी शुरू करो ये दीवार को अबे हाँ अच्छा ये दीवार में घुस गए छोड़ मोटे छोड़ अबे घूरता क्या यार गेंडे अबे मुझे गुस्सा वाह क्या सेट है यार हाँ यार एकदम ओरिजिनल है नहीं जरूर इस फिल्म के डायरेक्टर यश जी या भंसाली जी होंगे
कौन हो तुम लोग? मैं अजू और मैं विकी। कहां से आए हो? बैंड्रा पाली हिल। अरे डिसूसा कॉटेज। डोंट माइंड यार, हम तो बस शूटिंग देख रहे थे। हाँ, अपने डायरेक्टर को बुलाइए ना, इस मोटी कंप्लेंट। क्या अपराध है इनका? राजकुमारियों के शयन कक्ष में ताका झाकी कर रहे थे। इतना दुस्साहस? रानी महल में अनाधिकार प्रवेश करने का दंड जानते हो? बॉस ये तो डायलॉग भी ओरिजिनल बोलता है यार। कहीं तो इस पिक्चर का विलन तो नहीं है ना? बबूशा। ये क्या हो रहा है यार? लगता है डायरेक्टर आने वाले। सुनीरा बाबूदा। बबूशा चिंदी। क्या है बबूशा? बबूशा क्या लगा रखा है? हमें फंसाकर खुद रफू चक्कर हो गया और अब ताज में नहीं बैठा है, है? और तुझे क्या लगता है तू फिल्म की शूटिंग के बहाने कानून की आंख में धूल झोंक सकता है? साले तेरी वजह से आंटी ने हमारी शक्ल ना देखने की कसम खा ली है। चल चल चल, बहुत हो गया इंस्पेक्टर छत्रीपाल के पास, और बता क्या असली चढ़ तू है। अबे चुप, अनर तो इसने हमारे साथ किया है। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बाराना, अब सीधी तरह चलता है कि नहीं? महाराज यदि आप आज्ञा दे तो इन दोनों का सर अभी धड़ से अलग कर दो। अबे ओ, ये सर है कोई नारियल नहीं जो चुपचाप छील के पानी डकार जाएगा। ऐसा फटका लगाऊंगा ना कि अपनी सारी एक्टिंग वैक्टिंग भूल जाएगा। यार विकी, थोड़ा ज्यादा तो नहीं बोल गया ना? बोल दिया तो देख लेंगे ना यार। Are you चिंदी चोर का हेंचमैन? What do you think of yourself? Are you trying to scare me? You think you're bloody Dubai का भाई वाई रोड? You bloody one sock on your face. Take the bloody daylight out of you. महाराज, ये दुश्मन देश के गुप्तचर लगते हैं। इनकी भाषा सुनिए, इनके कपड़े देखिए, ये अवश्य ही यहाँ गुप्तचरी करने के लिए आए हैं। इन दोनों दुष्टों को इनकी उदंडता का दंड छानपुरा की प्रजा के सामने दिया जाएगा। बात तो ऐसे कर रहा है जैसे सचमुच करा जाओ। इसको तुम मैं ले जाओ, इन्हें डाल दो कारागार में। ले जाओ, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं मोटे, वो एक दिन तेरी चिंदी चिंदी कर देंगे। चिंदी चोर। प्यार में गिरती मार दे गोली, ले ले मेरी जान। प्यार में गिरती मार दे गोली, ले ले मेरी जान। ओ जान जहां मर कर भी यहां तेरा पीछा छोड़ू ना 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 ना। एक मेरा भाग अरे यार, ये साला रोल भी एक्सपोज कर दिया यार। इसमें मेरा मारिया का अच्छा अच्छा फोटोग्राफ था, वो अपुन का काट के सॉसेज बनाएगी। अरे बाप रे, इडियट लोग साला। पता नहीं ये जॉनी कहाँ रह गया यार। हाँ यार, उसका मोबाइल होता तो कम से कम पुलिस को फोन करके यहीं बुला लेते। लगता है चिंदी चोर इतना बड़ा सेट लगाकर अली बाबा 40 चोर बना रहा है। अबे फिल्म नहीं बना रहा है, शूटिंग की आड़ में ताज को दूसरे मुल्क में स्मगल करेगा। But then we will have to do something quickly. लेकिन करें क्या? हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा। मुझे लगता है, लेकिन इतना आसान नहीं। I know. समझे ना? बहुत मच्छर है यार। ए भाई,
यार बात सुन, ये मच्छरों को भगाने के लिए कोई क्रीम व्रीम मिलेगी क्या? तू नीचे कहाँ देख रहा है यार? मुझे अपने लिए नहीं, मच्छरों के लिए क्रीम चाहिए। शक्ल से तो 10वीं सदी का लगता है, मैं समझाता हूँ। भाई साहब वो मच्छर भगाने का मलहम मिलेगा क्या? अरे भैया मॉस्किटो रिपेलेंट। अबे यार तू ये बार बार नीचे क्या देख रहा है बे? क्या ये चाहिए क्या? हाँ हाँ ले ले, तुझे बस एक छोटा सा काम करना होगा, थोड़ी देर के लिए ना ये दरवाजा खोल दे बस। हाँ ठीक है, आंखें क्या दिखा रहा है भाई? बुरा मत मानियो, थोड़ी देर के लिए दिया दे दे, अंदर बहुत अंधेरा है यार। अबे छोड़ना यार, ये चिंदी चोर का पिट्ठू कुछ ज्यादा ही भाव खा रहा है। मेरे पास है ना टॉर्च। हाँ निकाल। क्या देख क्या रहे, जलती भी है। पिज़्ज़ा क्या हो गया यार? लगता है दिल्ली वाला है, वहाँ इतनी लाइट जाती है कि लोग अब रोशनी से ही डरने लगे हैं। वैसे तेरी दरवाजा खुलवाने की कोशिश अच्छी थी। कोशिशें ही सफल होती हैं, इसलिए कोशिश करते जाओ। काल के आगे प्राणी तुच्छ चीटी समान है, शिष्यों मानव काल चक्र से बंधा हुआ है, किंतु ऋषि मुनि इस काल के बंधन से मुक्त हैं, परे हैं। वो समय काल से कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। वो 100 वर्ष पूर्व भी जा सकते हैं और 200 वर्ष पश्चात भी पहुंच सकते हैं। शिष्यों एक्सक्यूज मी, कैसे इधर से बांद्रा जाने का बस कहां से मिलेगा? अपन का कोई मिस्टेक हुआ क्या? अपन तो खाली बांद्रा जाने के लिए बस के बारे में पूछ रहा था ये। अरे शिशु क्यों भाग रहे हैं यार? अरे सुनो रेड पड़ा क्या? अरे मुझे भी खेल रहा, अरे मुझे भी तो ले चलो। अरे मैं तो चल भी नहीं सकता। लगता है बिना परमिशन के स्पीच दे रहा था। अरे मुझे उठा लो मुझे उठा लो ले चलो। अरे उधर रे इधर ले चलो। बाबा चीका भिकारी का। अरे सुनो अरे कहाँ जा रहे हो चीका? अरे चीका पीका रीका, इनामीना डीका, चीका पीका रीका। मैं बोला ना इनामीना डीका, क्या बम मारा यार, काम का भगा दिया बेचारों को यार। अरे तुच्छ प्राणी है, भोले हैं, नादान है, मेरी महानता को नहीं समझते, लेकिन समझेंगे, सब समझेंगे। ये देखो मेरा नया आविष्कार, इसके प्रयोग से मनुष्य एक स्थान पर खड़े खड़े दूर किसी दूसरे मनुष्य के साथ बात कर सकता है। बताता हूँ चीका पीका रीका, चीका पीका रीका। तुम अरे कान में लगाओ, कान में लगाओ। हाँ हेलो जॉन, किधर है तुम? मारिया डार्लिंग मैं आ रहा हूँ, लेकिन इधर फंस गया हूँ यार। इधर ऑटो बस स्टैंड कुछ नहीं मिल रहा है, लगता है इधर स्ट्राइक होगा, लेकिन तू फिक्र मत कर डार्लिंग, मैं तुम्हारे पास पैदल चल के आ जाऊंगा। ओके पर तुम है किधर? मैं किधर हूँ यार? ए चिका पिका हम लोग किधर है? छानपुरा। अरे पूरा छान मारा पता नहीं चला, इसलिए पूछ रहा हूँ किधर है। छानपुरा छान, अरे कुछ छानपुरा खानपुरा बोल रहे, लेकिन मैं आ रहा हूँ। साला इधर नेटवर्क गया यार। आपने इस जगह का नाम क्या बताया? ये कौन सा यंत्र है? ये मोबाइल है, लेकिन आपने इस जगह का नाम क्या बताया? छानपुरा। अब तुम ये बताओ क्या इस यंत्र से दूर ध्वनि सुनाई देती है, वो भी बेतारा? ये कौन सा छानपुरा है? ये महाराज बबूशा का छानपुरा है। क्या फेंकता है यार, वो 10वीं सदी का राजा था, ये तो 21वीं सदी है। ये 10वीं सदी है, ये बताओ ये यंत्र किसका आविष्कार है? अरे यंत्र मंत्र छोड़ना, सच बताइए कौन सी जगह है? अरे बोला ना ये 10वीं सदी के राजा बबूशा की रियासत है छानपुरा। अरे नहीं, राजा बबूशा की रियासत में तो इतना बड़ा दरवाजा था और वहां तो दसवीं सदी। चलो चलो
अबे नहीं तोड़ दो, उन तीनों को हम छोड़ेगा नहीं, नहीं छोड़े मारा साले को। चलो सीधा एकदम खुद जाओ अंदर। अरे रुक जाइए भलाराम जी, रुक जाइए रुक जाइए। ये कौन कौन है रे? ओए कानून है, जुर्म मुजरिम के बीच में हमेशा कानून होता है। अगर आपने एक भी इंच आगे बढ़ने की कोशिश की तो अच्छी बात नहीं होगी, ये कानून की आवाज है। अरे हमको कानून की धौंक देता है तेरी तो? कहाँ रे, हमको कानून से डराता है? हमारी नजर में कानून उस सांप के भांति है जो टकरिया में बंद है, केवल फुनकार सकता है डस नहीं सकता, समझा? लेकिन आपने इस राष्ट्रीय धरोहर को खत्म करने की कोशिश करके उसी पिटारी में हाथ डाल दिया है। इस जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। हमको गिरफ्तार करता है और क्या? तुम जानता है हम कौन हूँ? शुरू भाषण। हम कौन हूँ? हम इस मोहल्ला का, इस राज्य का, इस देश का नेता हूँ। नेता कभी जुर्म नहीं कर सकता है, कानून जुर्म कर सकता है। अरे नेता तो इंसाफ का देवता होता है, कानून उसका गुलाम होता है। नेता कानून को हथकड़ी लगा सकता है मगर कानून नेता को कभी हथकड़ी नहीं लगा सकता है। ये आए लगा दिया। भाई साहब क्या हो रहा है? दो जासूसों का महारथियों के साथ द्वंद्व युद्ध। मतलब? अच्छा अच्छा अच्छा, WWF। मतलब? मतलब वही। बंदियों को लाया जाए। अबे आराम से। जीत गया ना अभी क्या? अबे अरे क्या पागल हो गया क्या? इससे कौन लड़ेगा? छोड़ अरे नहीं अबे छोड़ क्या? अबे उड़ जा। अबे मार दिया। शाबाश गेंडे। शाबाश यार विकी, तुझे तो कराटे आती है यार, मैं सांड का क्या करूं?
अबे चिंदी चोर, दो तीन और हैं तो उनको भी भेज दे। महाराज, इन जासूसों को छोड़ना उचित नहीं होगा। छानपुरा रियासत के किसी भी शत्रु को क्षमा नहीं किया जाता, इसलिए हमने निर्णय लिया है इन दोनों के सर धड़ से अलग कर दिए जाएं। देखिए, ये चिंदी चोर हमारा सर सचमुच में तो धड़ से अलग नहीं करवाएगा ना। पागल है क्या? ये 21वीं सदी है यार, अगर उसको हमको मार नहीं होगा तो गोली से मारेगा ना। सर क्यों? चल विकी, ये 10वीं सदी है। तुम दोनों का तो सचमुच में Excuse me, old man. भाई साहब। भाई साहब, ये बोला वो सर का काटते हैं। वो अभी राजा ने बोला ना कि सर काटने के बाद ये बॉडी का क्या करते हैं? बॉडी बोले तो अपना ये टॉर्सो, टॉर्सो, ये टॉर्सो क्या, शरीर, शरीर। सर काटने के बाद ये शरीर का क्या करते हैं? सर चील को खिला देते हैं। सर चील को खिला देते हैं और शरीर शेर को। सर चील को और शरीर शेर को, इन दोनों का तो कफन दफन का भी कोई चांस नहीं है। हेलो, कहाँ है तू और तेरे वो पिट्ठू? हमको जेल में फंसाए के बेटा, बाहर बहुत मजे में घूम रहा है ना। अब अपनी खैर मनाओ, कहा है कि हमारी बेल होने वाली है। हाँ। अरे तोरी तकदीर अच्छी थी कि वो दिन बुलडोजर से वो दीवार नहीं गिरी। अब के पुलिस से छुप के तो उस दीवार में 36 छेद करके सुरंग बना के तेरी छाती में घुस जाऊंगा, तंदूर में भून के तुमको और तुम्हारे दो साथियों को खा जाऊंगा हम। नॉट पॉसिबल बलराम जी, उन दोनों का तो बुकिंग हो चुका है। बुकिंग? हाँ, सर चील को और धड़ शेर को। हाँ? फिर कभी। ओके, वी आर सॉरी बलराम जी। ये कमाल 21वीं सदी का फोन यहाँ कैसे चल और गया। ये 10वीं सदी में भी हार्ट अटैक होता था क्या? कोई है? अरे संतरी जी, भाई साहब, साला कोई आता भी तो नहीं है यार। कोई नहीं आएगा जू, जब मौत आती है तो और कोई नहीं आता। तो फिर ये कौन आ रहा है? अरे बाप रे, ये तो ऑफिस से लेने आ गए। ये कैसे हो सकता है यार, टाइम तो सुबह का था ना। पर इनको कैसे पता चलेगा? कम वक्तों के पास घड़ी भी तो नहीं। ये यहाँ क्या कर रही है? मुझे क्या पता यार, तू आते ही पैर पकड़ लेना ठीक है।
क्योंकि अब शायद यही हमारी जान बचा सके। हाँ, हाँ। सिपाही तुम मेरे साथ चलो। हमें माफ कर दीजिए मैडम, हम नादान हैं, अनजान हैं, बच्चे हैं, अकल के कच्चे हैं। अरे अरे हमें शर्मिंदा मत कीजिए, उठिए, हम तो आपको बचाने आए हैं। बचाने? जी बचाने। आइए 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 आइए, बैठिए 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 बैठिए। अबे ठंडा ला रहे, ठंडा लेके आता हूं। अरे ठंडा तो इससे मिलेगा नहीं, एक काम करता हूं, चाय लेके आता हूं, मलाई मार के जा। ये मैं क्या बोल रहा हूं यार, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज प्लीज। आप लोग परेशान मत होइए, ये बताइए आप लोग हैं कौन? मैं अजू, मैं विकी, विकी विक्रम, मुझे प्यार से लोग विकी कहते हैं। विकी और मुझे अजू, अजू हाँ। कहाँ से आए हैं आप लोग? बांद्रा पाली हिल सुसो कॉटेज। मतलब हम फ्यूचर से हैं। फ्यूचर? इसका मतलब भविष्य से। हाँ। क्या मतलब 21वीं सदी से। सच? हाँ एक्चुअली लेट मी एक्सप्लेन। यार तू ही समझाना यार। मैं अगर इतना समझदार होता तो तेरी बातों में आके फंसता नहीं। ठीक है मैं समझाता हूँ। यू सी यू अंडर। कोई आवश्यकता नहीं, हमारी माँ कहा करती थी कि हमारे वर युग पुरुष होंगे। युग पुरुष? हाँ, और वो सदियों की दूरियां मिटा के हमें लेने आएंगे। फिलहाल तो यमराज हमें लेने आने वाले हैं। और बचने का कोई चांस नहीं है। बिल्कुल जिस तरह सदाम और बुश को एक साथ एक ही टेबल पर कॉफी पिलाने की तरह। नो चांस, आप समझ रही हैं ना? आप लोग चिंता ना कीजिए, ये लीजिए। ये क्या है? ये है यहाँ से भागने का उपाय। किसी तरह सिपाही को आप अंदर बुलाइए और ये चूर्ण सुंघा दीजिए, वो अपने आप बेहोश हो जाएगा और बाहर आपके लिए घोड़े इंतजार कर रहे होंगे। Cool. अच्छा हमें अब चलना चाहिए, हमारे यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। आओ सुनिए जी, जी? आप हमारी मदद क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि 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 हमें हाँ? क्योंकि हमें आपसे प्यार। वाह वाह, ये तो चमकने के साथ घूमती भी है। ये घड़ी है, इसमें अमेरिका, लंदन, जापान सबका टाइम, मेरा मतलब वक्त दिखता है। अबे ये इंडिया नहीं जानता और तू अमेरिका और जापान की बातें कर रहा है। पार्लियामेंट सेशन की तरह अपना टाइम पास कर रहा हूँ, तो अपना काम करना यार। काम? कैसा काम? काम बड़े काम की है ये घड़ी। हाँ दिखाता हूँ, ये देखो, ये घंटे की सुई, ये मिनट की सुई, हाँ ये सेकेंड की सुई, ये एक दो तीन बारह साठ मिनट का एक चक्कर। और अगर ये चक्कर चल जाए तो हम यहाँ से नौ दो ग्यारह हो सकते हैं, समझे घन चक्कर। अज्जू मेरे दोस्त, विक्की गुड बाय। गुड बाय? गुड बाय क्यों, मैं भी तो तेरे साथ ही कट रहा हूं ना। हाँ पर मैं जाऊंगा स्वर्ग और तू जाएगा नर्क। मेरे बिना ही स्वर्ग चला जाएगा क्या? याद है मैं कैसे बीएससी छोड़ के तेरे साथ होम साइंस करने के लिए आ गया था? हाँ याद है, तो चल मैं भी तेरे साथ नर्क ही चलता हूँ। और बोल अज्जू। विक्की भाई साहब, यहाँ आखिरी ख्वाहिश तो पूछी जाती है ना? नहीं, पानी पिलाया जाता है ताकि गला गीला हो जाए और आराम से कट जाए, समझे? आ,
ये सब तेरी वजह से हुआ है। कहा था मुझे शूटिंग दिखाएगा, कहा था ये सब एक्टर हैं, और तेरे डायरेक्टर की जगह ये कमीना डिक्टेटर सेनापति खड़ा है यहां पर। हेलो भाई साहब, ये नहीं सुनेगा अज्जू। डायरेक्टर जब कभी कट बोलता है तो कभी कभी रीटेक भी ले लेता है। लेता है, ये कट बोलेगा तो फाइनल कट, नो रीटेक। अज्जू सर सीधा रख वरना गर्दन गलत कट जाएगी। हाँ। सर कटा नहीं और यमदूत भी आ गया। और बच्चों ये वाहन बिना हाथी बिना घोड़े के चलेगा, ये वाहन ईंधन की शक्ति से चलेगा और आने वाली सदी में यही यात्रा का साधन होगा। हाँ, और इस आविष्कार के बाद तुम्हारे ज्ञानी जी यानी के हम युगो युगो तक याद रखे जाएंगे। ले, आ गई दीवार। ओह गॉड, थैंक गॉड। चल विक्की, गाड़ी दीवार के अंदर घुसा दे, जैसे आते वैसे निकल जाएंगे। कम ऑन। लेकिन अगर दीवार नहीं खुली हाँ, और दीवार से टकरा गया तो? अरे नहीं कुछ होगा यार, और फिर ट्राई तो करना पड़ेगा ना, तू फिक्र मत कर। अरे होगा तो अपना ही टाटा हो जाएगा यार। लगता है अपुन का ग्रेव इधर ही खुदेगा यार। अबे ग्रेव नहीं, यहाँ सर चील खाएगी, धड़ शेर खाएगा। चल चल भाग ले, भाग। चलो उधर से नहीं, इस तरफ से। अरे ये कहाँ आ गए यार? मुझे लगता है 10वीं सदी का सुपरमार्केट है ये। हाँ। पहले दीवार से आर पार निकले और अभी ये। ये क्या हो रहा है यार, हाथ में नहीं आ रहा है। जो दिखता है वो होता नहीं। कौन है यार? और जो होता है वो दिखता नहीं। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी आंटी नहीं, जादूगरनी हीरा का हूँ। पापा पर आपकी आपकी शक्ल तो तुम्हारी डी आंटी से मिलती है, जानती हूँ।
वो औरत मेरा ही पुनर्जन्म है। 21वीं सदी के हर प्राणी की तरह मैं हर सदी में अलग अलग रूप अलग अलग नाम से जन्म लेती हूँ। कभी हीरा का, कभी सबा मिर्जा, कभी सिमरन कौर, तो कभी मिस डिसूजा। तो आप जानती हैं कि हम लोग 21वीं सदी से आए हो। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम लोग उस दीवार के माध्यम से आए हो और उसी रास्ते से तुम लोगों को वापस भी जाना होगा। कोशिश तो वही कर रहे थे। प्लीज तुम अपन को 21st सेंचुरी में पहुंचा दो ना। तुम तो मैजिशियन हो ना, तुम्हारा डंडी घुमा के हमारे इधर से टाटा करवा दो प्लीज। ऐसा हो सकता है लेकिन 12 दिन बाद। वो क्यों? क्योंकि वो दीवार 100 साल बाद पूर्णमासी के 12 घंटे बाद पल भर के लिए खुलकर बंद हो जाती है। बंद हो जाने के ठीक 15 दिन पश्चात सूर्य उदय के साथ वो पल भर के लिए खुलकर फिर 100 साल के लिए बंद हो जाती है। इसलिए अगले 12 दिनों तक तुम लोग यहीं रहोगे मेरे पास। थैंक यू। और जब यहाँ रह रहे हो तो यहाँ के बन के रहो। मेरे भाइयों, मेरे देश की बहनों और भविष्य का बोझ उठाने वाले ये प्यारे प्यारे बच्चे, ये बच्चा तुम यहाँ सुनो, गोटी का खेल रहा है, कमाल है यार। तो हम ये कह रहे थे, अरे तुम गोटी छोड़ो ना बच्चा, ऐसी इमारत इसकी दीवार हमारे देश की धरोहर है, हमारी राष्ट्र संपत्ति है और इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। और अगर ये राष्ट्र संपत्ति की देखा सका नाम तो विदेश 2 दिन जेल की हवा क्या खाई? भारत देश में आके राष्ट्रीय धरोहर क्या होती है? जैसे हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने सब आपकी वजह से सर। कल जिसे तोड़ना चाहता था आज उसकी रक्षा कर रहा जरूरी है और उसकी सुरक्षा का काम भी चल रहा है। ए, काम चल रहा है ना? देखा था। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है उसकी सुरक्षा का काम। इसलिए आइए मेरे साथ कसम खाइए कि जो भी देश की किसी इमारत को गिराने की कोशिश करेगा हम उसको गिरा देंगे। जो भी बीच में रुकावट बनेगा, दीवार बनेगा, हम उस दीवार में छेद कर देंगे। ए, दीवार में छेद हुई कि नहीं? देखा था। इतना देखा था यार। नहीं, अरे क्या मुसीबत है, भूचाल आ गया, पिंडाल गिर गया पर ये दीवार नहीं गिरती है। अबे कोई है? अरे बाप रे, क्या हो गया, क्या हो गया ये? जरा देखो क्या हुआ है। मैं बस चेयर पर बैठा हूँ, मेरे को ब्रेल ने जकड़ लिया यार। अब तो चेयर पर बैठा क्यों? चेयर देख के बैठ जाता, छोटा समझता कुछ नहीं तू यार। तू लेक्चर मत दे, विकी छोड़ा ना मेरे को। अरे कितना अच्छा लगता है यार, बंदा हुआ है ना, परेशान भी नहीं करेगा, मस्त लगता है यार। कितना मतलबी इंसान है यार विकी, तू बोल ना। अरे जाना यार तू, जी आंटी हीराका जी को बुला के ला, जा प्लीज। विकी छोड़ा ना यार। अरे क्या यार अजू, तू भी कहीं भी बैठ जाता है यार, अब तू मत छोड़ो प्लीज। तुम जाओ। जाओ। हीराका जी, ये तो ये मेरी शिष्य है शलाका। नहीं, ये तो मेरी मारिया है। नहीं, मैंने कहा था ना, जो दिखता है वो होता नहीं। शलाका मारिया की 10वीं सदी का रूप है। माने हर सदी में लोगों के रूप चेंज होते हैं क्या? हाँ होते हैं। तो माने इस सदी में अपुन का भी हुआ होगा? हुआ ही होगा, देखना चाहोगे? हीराका जी, अगर आप दिखा सकते हैं तो हमको 21st सेंचुरी दिखाइए ना। 21वीं सदी? हाँ हाँ, हमको डी आंटी को देखना है। क्या है, डी आंटी को हम एक दिन भी छोड़ के जाते हैं ना तो खाना पीना नहीं खाती है। अब तो इतने दिन हो गए, बेचारी का क्या हाल हुआ होगा। और हमारा तो मोबाइल भी नहीं चलता है ना,
खाली इनकमिंग है, आउटगोइंग बंद है, दिखाइए ना प्लीज। जल्दी से दिखाइए ना हिराका जी। मारिया, मेरे बच्चे लोग को वापस ला दो। हम प्रॉमिस करते हैं हम उन लोग को नहीं डांटेंगे, हम भाड़ा भी नहीं मांगेंगे। हमारा अज्जू विक्की जॉनी को वापस ला दो। तुम्हारा छोकरा लोग एक नंबर का चोर है, चोर नहीं उचक्का है। शट अप, हम तुम्हारा जबान खींच के कुत्ता लोग को खिला देगा। हमारे बच्चे लोग को गाली देगा तो अच्छा नहीं होगा, बोल देता है। अभी तो हम गाली दे रहा है, अगर हमको दिख गया ना तो हम गोली देगा गोली। करता है तुम? हम यही बताने के लिए तुमको यहाँ आया था, उनको देखते ही गोली मार देने का हुक्म है। शूट एट साइट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दुश्मनों को मारने का अभ्यास। गुप्तचरी की शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ ताकि दुश्मनों के महल पर घात लगाकर हमला करके उन्हें पराजित कर सकूं। कोई फायदा नहीं, तुम्हें पराजित करने के लिए तो एक वाहन ही काफी था जो उन शूरवीरों के पास है। शूरवीर? अरे वो दोनों तो डरकर भाग गए। युद्ध के मैदान में मेरे सामने होते तो मैं उन्हें काट डालता। कहां ये, कहां वो दोनों? इस समय वो दोनों कहां होंगे दीदी? अपने उसी मित्र के पास जिसने उनके प्राण बचाए थे, और हमें विश्वास है कि अभी भी वो कोई वीरता का कार्य कर रहे होंगे। ये साला इधर का घास फूस खाके अपना सब बंद हो गया है। पता नहीं अंग्रेज लोग कब आएगा और ढंग का टॉयलेट बाथरूम बनाएगा। ए, इधर पहले से सब बंद है यार, तुम्हारे आने का क्या जरूरत था? देख, तुम 10वीं सदी का सांप है और मैं 21वीं सदी का आदमी। हमको काट के तुम चीटिंग नहीं कर सकता है। इडियट। तो गॉड, अब ये 10वीं सदी में अखबार भी नहीं निकलता होगा। ब्लडी इडियट। यहाँ पे साला बाथरूम का बहुत प्रॉब्लम है, आप लोग बचा के रखना जरा। क्यों टेंशन में क्यों, बाथरूम जाना है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। तो अबे 21वीं सदी नहीं जाना क्या तेरे को? हाँ तो जाना है ना, वो हिराका ने कहा ना कि राइट टाइम पे अपने को दीवार क्रॉस करा देगी, खत्म हो गई बात। हाउ स्वीट। और वहां पहुंचते ही पुलिस हमें डिचके आओ गोली मार देगी। भूल गया, शूट एट साइट का ऑर्डर है। अरे हाँ यार, लोटा छोड़ दिमाग पकड़ यार। आइडिया आ गया। हाँ, हम राजा बाबूशा का दांत चुराएंगे। माने चोरी के झूठे इल्जाम से बचने के लिए सचमुच की चोरी। बोल क्या बोलता है। रेडी? चल चल। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ बंधुवर? क्या हुआ, क्या हुआ? आनी चाहिए क्या बंधु? ऑन कर, ऑन कर, ऑन कर। ये कैसे धुनी है? पता नहीं यार ये राजा बाबूशा का ताज किधर होगा।
बबूशा के पास होगा। अच्छा हाँ। और राजा बबूशा कहाँ होगा? वो ताज के पास होगा। अच्छा तो दोनों कहाँ होंगे? लो इधर किधर महल में पड़े होंगे यार। अरे यार तू इस इडियट को क्यों साथ में लेके आया यार? ये तू इडियट किसको बोला? तेरे को। हाँ तो बराबर, इसको कोई इडियट बोला, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप लोग यहाँ? हाँ बाहर जंगल में घुटन हो रही थी तो अंदर हवा खाने आ गए। हवा खाने? नहीं नहीं, हम तो वो पीछे, हम तो महाराज से मिलने थे। किधर मिलेंगे? कहाँ है महाराज? होंगी अपनी रानियों में से किसी एक के पास। रानिया? हाँ 40 है ना। वाह, अब वो कब किसके पास होते हैं ये वही जाने। 40 रानिया? ये महाराज की अली बाबा यार। अब हर दरवाजे के सामने जाके बोलना पड़ेगा, खुल जा सिम सिम। चले महाराज की जय हो। महारानी साहिबा, महाराज हैं? उन्हें देखे तो महीनों हो गए हैं, भूल गए हैं वो हमें। हमारे पास तो वो आते ही नहीं, आते ही नहीं, आते ही नहीं। अगर आपकी मुलाकात उनसे हो जाए तो उन्हें कहना कि बड़ी रानी कब से आपका इंतजार कर रही हैं और आप हैं कि आते नहीं, आते नहीं, आते नहीं। महाराज की जय हो। जय हो। होली क्राइस्ट यार, इसमें बबूशा का क्या दोर? इस भैंस को देखकर कोई भी सांड डर जाएगा। सच पूछो तो वो 1:40 के बराबर थी। हाँ। चलो देखें दूसरी कैसी है यार। शायद यहाँ हो। महाराज की जय हो। रानी साहिबा, महाराज हैं? नहीं है। आ जाओ। नहीं, 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 नहीं। कोई पीस बराबर नहीं है। मुझे लगा कि अपने ही टाइम के लोगों में मिस्टेक होगा, लेकिन अभी पता चला प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुआ है। वाकई। अरे बबूशा भी कमाल यार, इतनी रानियां इकट्ठी करके रखी है यार। मैं तो अजू विके, कहीं हीरा का तो नहीं आ गई? अजो वे K Park, I'll KISS kiss you in the DARK dark, and then you will be MINE mine. Your HAND hand, I will TAK take you to the PARK park. I will KISS kiss you in the DARK dark, and then you will be MINE mine. When you're MINE mine, I'll let HINE shine. I'll love you all the TIME time. You're the BEST best of the RESD rest. I'll love you all the TIME time. Luck, you're my FATE fate. Be my DATE dead, don't be LATE late. You will HAVE have to be on DIME time. Girl, I'll take you out to DINE time.
your H&E hand. I will take you to the PRK park. I will KISS kiss you in the TRK dark. And then you will be mine, 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 mine. M-I-N-E, mine, all that S-H-I-N-E, shine. L-L-O-V-E, love you all the T-I-M-E time. You're the B-E-S-T, best of the R-E-S-T, rest. I love you, all the T-I-M-E time. हम आपसे बहुत प्यार करते हैं. हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं. क्या हुआ? ये सब झूठ है. क्या? हमारा प्यार झूठ है? नहीं नहीं नहीं, देखो प्यार तो हमारा भी झूठ नहीं, लेकिन थोड़ी देर पहले हमने तुमसे जो कुछ भी कहा था वो सरसर झूठ है. कैसा झूठ? हम यहां तुमसे मिलने नहीं बल्कि महाराज का ताज चुराने आए थे. हम तुम्हें कैसे समझाएं हमारे पीछे पुलिस, मेरा मतलब हमारे पीछे कुछ दुश्मन पड़े हुए हैं. दुश्मन? हाँ, और वो हमारा पीछा तभी छोड़ेंगे जब हम वो ताज उन्हें वापस लौटाएंगे. हमारे पास इसका एक उपाय है. उपाय? हाँ, दो दिन बाद हमारा स्वयंवर है और उस स्वयंवर में हम आप ही को अपना वर चुनेंगे और फिर ये राजकुमारियां, ये राज्य और वो ताज सब आपके होंगे. अच्छा, उठ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो आंखों वाला अंधा है क्या? सो रहा था मैं इधर. रानी महल में मर्दों के आने की इजाजत नहीं है. तो तू कैसे आया? ए, जुबान लड़ाता है? जुबान नहीं यार, अपन इधर दोस्त लोगों का वेट कर रहा था यहाँ पे. दोस्त? हाँ, वो अंदर गए टॉक करने को. ये देखा गया. ए, आना इधर यार, संभालना. क्या हाल है सिपाही बाबू? तुम लोग यहाँ? हाँ, कुछ खास काम से आए थे. वैसे काम तो हमारा हो गया, इसलिए अभी हम भाग रहे हैं. तुम लोग साला अपुन का टाटा करवा देता है, रोमांस करने का लेकिन इतना टाइम, और वो सोल्जर लोग अपुन का सोते में टाटा कर देता तो अपुन का मारिया तो बिना शादी के वीडियो हो जाता है यार. तेरा फोन है. हेलो. अबे हिलेगा तो तू, एक बार हमारे हाथ में आ जा, सारी जिंदगी हिलता रहेगा. अरे कौन बोलता है मैन? तेरा बाप. अभी हाथ आए नहीं, याददाश्त पहले से हिलने लग गई है. अरे भले राम जी यार, यहाँ बैटरी चार्ज करने को भी नहीं मिलता, तुम मेरा बैटरी खत्म कर रहा है यार. अरे बैटरी क्या, हम तुम तीनों की जिंदगी खत्म कर देंगे. तुम लोग हो कहाँ जरा बताओ तो सही. कहो तुम लोग दसवीं सदी में खड़े आना है? बेटा तुम दसवीं का, हजारवीं सदी में हो तो हूँ आएंगे तेरे को मारेंगे हम. हाँ तो उधर बैठ के क्या बंकर कर रहा है, इधर आ जाना. हम इधर ही खड़े हैं. आजा 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 आजा. भाई साहब, ये हमको देख के घूम क्यों गए? आपने यहाँ कहीं हमारी बकरी देखी है? बकरी? हाँ बकरी, मोटी सी, काली सी, भूरी कजरारी आंखों वाली देखी है? एक बकरी तीन तरफ. नहीं बाबा, हमको नहीं चाहिए. लाजवंती सही कहती थी, ये बकरी नहीं भूत प्रेत की आत्मा है. हमको नहीं चाहिए बकरी. यार इस कहानी में कितने डबल रोल है रे? ए भाई जॉनी, वहां से कहां से, यहां से चलना. ए विकी,
क्या हो गया मैन, क्यों ऐसा मुंह लटका के खड़ा है? अरे स्वयंवर का टाइम हो गया और अभी तक हमारे पास भेष बदलने के लिए कपड़े नहीं है, जाएंगे कैसे यार? हाँ यार, ये सोचना पड़ेगा यार। चलो चलो सोचते हैं यार। मेरे को समझ में नहीं आता मैं इसका क्या करूं यार। तुझे पता हो ना हो, हमें पता है तुझे क्या करना है। मुझे? हाँ। कपड़े तो हम बनवा देंगे, लेकिन नकली दाढ़ी मूछ बनवाना हमारी गुरु माँ के शिक्षा के विरुद्ध है। अच्छा अच्छा, ओके थैंक यू जी। मतलब क्या बोलते उसको, थैंक यू। हाँ थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। गुड जॉनी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ दोस्तों, बाकी सब तो ठीक है यार, पर दाढ़ी और मूंछ के लिए बाल कहाँ से आएंगे? हाँ यार, नजर न लगे। आज तो महाराज का रौबीला व्यक्तित्व और निखर रहा है। हम अभी महाराज बने नहीं हैं, किंतु कल यदि स्वयंवर में राजकुमारियों को कोई पसंद नहीं आया तो अपने वायदे के मुताबिक राजा अपनी एक राजकुमारी का विवाह मुझसे करवा देंगे। उसके बाद तो मुझे महाराज पुकार सकते हो। हमारे महाराज तो आप ही हैं, किंतु स्वयंवर में राजकुमारियों को कोई और पसंद आ गया तो? असंभव। हम राजकुमारियों की पसंद जानते हैं, इसलिए हमने ऐसे किसी भी राजकुमार को न्योता नहीं भेजा है जो राजकुमारियों की कसौटी पर खरा उतर सके। इसलिए निश्चिंत रहो, स्वयंवर में ऐसा कोई नहीं आएगा। यार कितनी बास मारती है यार, साला किसी पोमेरियन कुत्ते का पूंछ नहीं मिलता था। नहीं ये तो बोलने की बात है, बैल की गाय की पूंछ की मूंछ। चलो चलो। थोड़ा और चलेगा। अबे चलता रहे, वो हमें ही देख रहा है। Long live the king! Long live the kingdom! Long live Babushah! 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 सेनापति, कौन है ये लोग? महाराज वो अपना परिचय दीजिए। प्रिंस अजय पाल, प्रिंस विक्रम पाल। कौन सी रियासत से हैं आप लोग? प्रिंस ऑफ खंडाला, प्रिंस ऑफ वडाला, आई एम फ्रॉम चकाला। अच्छा अच्छा, बिराजिए। इधर तो दो ही कुर्सी है। शादी हमारी है, तेरी नहीं, वहां खड़ा रहे। अच्छा, नकली मूछ क्या लगा रही दादागिरी शुरू कर दी? बांद्रा आजा, दिखाता हूँ। राजकुमारियों को बुलाया जाए। हाँ
I will H-O-L-D hold your H-A in the hand. I will T-A-K-E take you to the P-A-R-K park. I will K-I-S-S kiss you in the T-A-R-K dark. And then you will be M-I-N-E आयुष्यमती भवा, दोनों राजकुमारियों का विवाह अब से 2 दिन के बाद संपन्न होगा। तब तक आप लोग राज्य के अतिथि बनकर राज्य की सेवाओं का भरपूर आनंद लीजिए। दो दिन ठहरिए महाराज। क्या हुआ? नियम के अनुसार अतिथि गृह में केवल राज्य अतिथि रह सकते हैं, सेवक नहीं। कौन सेवक कौन है इसमें? आप? मैं सेवक? ब्लडी स्टूपिड। हाँ हाँ सेवक, अब नियम तो नहीं तोड़े जा सकते ना, और हमें यकीन है कि तुम्हारे में रहने सहने का कोई ना कोई इंतजाम तो किया ही होगा। क्यों? जी सरकार, सभी सेवक घोड़ों के अस्तबल के पीछे रहेंगे। घोड़ों के साथ? हाँ सेवक, तुम अस्तबल की तरफ प्रस्थान करो। नाउ प्लीज गो। जरा इधर आ। घोड़ों के पास नहीं जाऊंगा, सीधा राजा के पास जाऊंगा। हाँ, पूरी हकीकत बता दूंगा, फिर शरीर शेर को सर चील को। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो सेवक, तुम्हारा हमारे साथ रहना अब एकदम बिल्कुल जरूरी हो गया। बिल्कुल। किंतु सरकार। नो किंतु नो परंतु बेबी। रिलैक्स दासी, ये नियम भी तो हम राजा लोग ही बनाते हैं ना, तो तोड़ने का हक भी तो हमारा ही हुआ। जी सरकार, जी आइए आइए। आजा कोपचे में, रोके चाहे मोहल्ला कोपचे में।
कोपचे में रोके चाहे मोहल्ला कोपचे में रोके चाहे मोहल्ला मुझे पहले ही संदेह था कि तुम ही लोग हो। कल सुबह मेरे राज्याभिषेक के साथ बाबूशाह और तुम तीनों के सर थड़ से अलग कर दिए जाएंगे। तुम लोगों का साहस कैसे हुआ 21वीं सदी से यहां आने का? गलती हो गई महाराज। मेरा मतलब महाराज, अगर उस दीवार ने पहले बताया होता कि आपकी रियासत में खुलती है तो हम तो इस तरफ झांकते भी नहीं। बिल्कुल महाराज, हमें अपना गला कटवाने का शौक थोड़ी कोई क्या है ना। परंतु झूठ बोलने का, मक्कारी करने का, धोखा देने का शौक रखते हैं 21वीं सदी के लोग। ये राजा बाबूशाह, ये 21वीं सदी की बात नहीं कर रहा। धोखा तो तुम्हारे लोगों के ब्लड में है। वो तेरा सेनापति देख, गर्दन काट के खुद राजा बनने की तैयारी में है। किंतु ये सब तुम लोगों के कारण हुआ। न तुम लोग यहाँ पर आते, न ये ढोंग रचते और न आज हमें ये समय देखना पड़ता। कमाल है यार, थैंक यू बोलने के बदले हमको ब्लेम कर रहा है। कमाल का थैंकलेस आदमी है ये। तुमने हमें गाली दी? दी नहीं है, लेकिन देने को दिल बहुत कर रहा है मेरा। चेष्टा भी की तो तुम्हारी जीभ कटवाकर कुत्तों को खिलवा देंगे हम। खुद का सर चील खाने वाला है, हमारी जबान कुत्तों को खिलवाओगे? 21वीं सदी के लोग अत्यधिक असभ्य होते हैं। नहीं, ये बदतमीजी हमको 10वीं सदी से गिफ्ट में मिली है। तुम भविष्य मानस अपनी जीभ बंद करो। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। जो हो सके वो कर लो, नहीं करूंगा मैं। हम तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। हम तुम्हें हालत तो देखो, राजपाट चला गया, गर्दन कटने वाली है फिर भी अकड़ नहीं जाती है। वाह, और जानी भी नहीं चाहिए। एक और भविष्य मानस दीवार से? जी नहीं महाराज, मैं जादूगरनी ही राका हूँ, आप ही की प्रजा। हाँ, ये हमारी तरह मिली जुली सरकार की प्रजा नहीं है। अच्छा हो आप यहाँ पे आ गए। अभी आप अपनी स्टिक से हमको गिली गिली करो और यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। नहीं। क्यों? क्योंकि तुम तीनों की वजह से ही महाराज की दशा हुई है, इसलिए तुम तीनों को ही इसका हल भी निकालना होगा। हमें? हाँ, सेनापति को उसके किए की सजा देनी होगी। उसके लिए तो हमें बाहर जाना पड़ेगा ना। ये तीनों कहाँ गए? आपके ही सामने खड़े हैं महाराज। अब तुम तीनों अदृश्य हो गए। अदृश्य बोले तो? गायब। हाँ, मिस्टर इंडिया ऐसा बोलना। हाँ, अब जाओ, जाकर अपना कर्तव्य निभाओ। ओके, विजयी भाव, विजयी भाव। अरे यार, छुपने की क्या जरूरत है, हम दिखाई थोड़ी ना दे रहे हैं। हाँ, तो चल ना, गोद में ही जाके बैठ जा। चल। सुनो, तुमने कुछ कहा? नहीं तो। अरे
ये ताज आपके सर पर बहुत सुंदर लगेगा महाराज। यहां बैठ। हाँ, मैं इस ताज को पहनने के लिए और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। तो देर किस बात की है, पहन लीजिए ना प्रभु। पहन लीजिए ना प्रभु, ये आंखें आपके सर पर छानपुरा का ताज देखने के लिए उत्सुक हैं। अरे कैसे पहनूं? इसे तो किसी ने रोक रखा है। कौन रोक सकता है प्रभु, अब तो आप ही इस रियासत के महाराज हैं। क्या हुआ? कौन है? कौन है? तेरा बाप। अबे उधर क्या देख रहा है, इधर देख इधर। अबे डफार, इधर पीछे देख, पीछे इडियट। अबे ओ डिक्टेटर, इधर इधर, ताज तो इधर है। तुझे ताज पहनना ना, राजा बनना ना तूने। अबे मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, तेरा नाम उसमें दूर दूर तक नहीं है, तू तो राजा बन ही नहीं सकता। अरे जॉनी, इसे मारने के लिए तलवार की क्या जरूरत है, ये तो ऐसे ही मर जाएगा। कैसे फड़फड़ा रहा है? एक मिनट भाई साहब, जरा मैं भी आया। इन भविष्य मानुसों ने छानपुरा की रियासत पर बहुत बड़ा उपकार किया है, इसके बदले में ये जो मांगेंगे इन्हें दिया जाएगा। मांगो, क्या मांगते हो? महाराज हमें आपके सरकार। मांगने देना यार, तुम्हें मांगना तुम मांगो। महाराज मैं और विकी आपकी बेटियों से शादी करना चाहते हैं। असंभव। लेकिन क्यों महाराज, हम आपकी बेटियों से प्यार करते हैं। खामोश 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 खामोश। मगर महा अगर कुछ और मांगना है तो मांग सकते हो। तो मांगता है ना, ये क्राउन मांगता है, ये ताज मांगता है। दांत देता हूं मैं तुम्हारे दुस्साहस की, एक राजा से उसका ताज मांग रहे हो। ये ताज हमारी रियासत और सारी जनता के मान का प्रतीक है। हम कर्तव्यबद्ध हैं, अपनी इच्छा अनुसार ये ताज किसी को नहीं दे सकते। तो इतना बोल बचन काहे को करता है यार, जो मांगो देगा, जो मांगो देगा, बात करता है यार। ये तुम राजा लोग बोलते बहुत कुछ हो, करते कुछ भी नहीं। जॉनी ये मत भूलो कि तुम महाराज से बात कर रहे हो। ये काहे का महाराज, ये तो चिंदी चोर से भी बड़ा चोर लग रहा है मुझे। बस भविष्य मानस, ये हमको क्या बस ट्रेन रिक्शा बोलता है यार। हम ये तार लेके नहीं जाएगा तो 21वीं सदी में हमारा टाटा हो जाएगा।
तू ताज देता है कि मैं छीन लूं? जुनाली, रुदाली, मैंने तुम लोगों को अपने बच्चों की तरह समझा और तुम लोगों ने मेरे ही साथ विश्वासघात किया। तुम्हारी सदी में निकम्मों को क्या कहते हैं? इडियट। हाँ वही, बस अब मैं जरा भी विश्वास नहीं कर सकती तुम लोगों पर। अब तुम लोग तभी यहां से जाओगे जब तुम लोगों के जाने का समय होगा। हुबा हुबा अजूबा, अब तुम लोग यहां से कहीं नहीं जा पाओगे। अरे यार, हीरा का अपने आप को समझते क्या है? दरवाजा बंद कर दिया साला, बाप का राज है क्या? सटिया गया है, पगला भी गया है। काका काम करवाता है, देखो दीवार में चढ़वा दिया। हे भगवान, अगर ये दीवार गिरे तो पूरी की पूरी ये बुड्ढे पे गिरे। आज तो हम इस दीवार को बारूद से उड़ा ही देंगे। अरे हुई गवाह कि नहीं? हाँ हाँ हुई गवाह। हो गया? हाँ, अब हम उतरत हैं। अरे लगा ऐसा बस ये ले, ऐसा जोरदार बम लगाए हैं कि दीवार का तो चिथड़ा उड़ जाएगी। मगर ये धुआं ससुरा कहां से आ रहा है? अरे अरे कौन धुआं? अरे काहे चिल्ला रहा? अरे यार सब फट जाता, साली दीवार ही नहीं फटती है। क्या यार, अब तो कभी हम उन्हें मिल भी नहीं पाएंगे। सही बात है यार, एक बार मिल लेते तो। ए, ये देखो मैं उसका डंडा चुरा के लाया हूं। मैं तुम लोगों को बाहर निकालता हूं। वो हीरा का अपने आप को समझती क्या? हुबा हुबा महबूबा। हुबा हुबा महबूबा। अरे यार वो क्या बोलती थी? हुबा हुबा बोलती थी, क्या बोलती थी वो? हाँ हुबा हुबा विकी बा। नहीं, हाँ हुबा हुबा अजूबा। अब ये क्या किया यार? अरे मैं तो खाली इतना ही बोला, हुबा हुबा अजूबा। अगर बाबा को पता चल गया कि हम रात में यूं अकेले महल से निकल आए हैं तो वो बहुत क्रोधित होंगे। जुनाली, दासियों ने इस बात का पता नहीं चलने देगी। अच्छा हुआ उसने हमें हिराका जी के घर जाने की सलाह दी, वरना हम तो उनसे मिल भी नहीं पाते। लेकिन ये हिराका जी का घर और कितनी दूर है? पता नहीं, रास्ता तो यही है। कहीं हम भटक तो नहीं गए?
ओहो, गलती हो गई यार। हाँ भाई, हो तो गई। विक्की, अच्छू? जी। ये कैसी है मजबूरी? हूँ बिन तुम्हारे अधूरी। ये सदियों की दूरी। क्या होगी इच्छा पूरी? जब प्यार किया तो डरना क्या? हमें होगा करना क्या? भाग चलोगी मेरे साथ? जब तुम कहो, दिन हो या रात। दुनिया से डर नहीं जाओगी? बिन तुम्हारे मर नहीं जाऊंगी। फिलहाल हम चलेंगे। फिर कब मिलेंगे? जाने से पहले दीवार के पास। वो ताज भी होगा हमारे पास। महाराज का ताज? चुरा लेंगे आज। पर किस लिए? प्यार के लिए। तंत्रम मंत्रम तंत्रम मंत्रम, एक दो तीन चार, पत्थर की दीवार, कर अपनी आंखें चार, यहां से वहां जाने का बता कोई उपचार। चंभो आहा। कुछ पता चला? इस दीवार के पीछे तीन चोर है ना? नहीं, इस दीवार के पीछे दूसरी दुनिया है। दूसरी दुनिया? हाँ, मृत्यु लोक, मौत की दुनिया। मौत की दुनिया? हाँ, तुझे इस पार से उस पार जाने के लिए मरना पड़ेगा। है? या तो तू खुदकुशी कर ले ए? या तो तुझे मारने के लिए मैं किसी को सुपारी दे देता हूँ। ऐसा? हाँ। हमको मारने के लिए तू दूसरे को सुपारी देगा? और क्या? तो हम तेरे को बिना सुपारी के ही मार देते। तेरी माता जी का साला ढोंगी अधूरा। हजार रुपया हमसे लेता और हमको कहता मरना पड़ेगा। झूठा तांत्रिक साला। थैंक यू साला। एक क्राउन कवर से बहुत चक्कर काटे हैं यार। चलो प्यार इश्क मोहब्बत सब उधर चल के आ जाओ। कमाल। अरे लेकिन जॉनी, इस गाड़ी का क्या करेंगे यार? ये तो बिगड़ गई है यार, इसको तो बेच भी नहीं सकते। पड़ी रहने दो यार। ए भाई साहब, भूल गए राका ने क्या कहा था? अपना कुछ भी पीछे छोड़ कर नहीं जा सकते हम लोग। हाँ तो तू क्या चाहता है, मैं इसको धक्के मार के 21st century में ले जाऊं? मैं कोई धक्का बक्का नहीं मार। ये गाड़ी स्टार्ट कैसे हो गई यार? ये वाहन हमारा आविष्कार है। नहीं, ये हमारी कार है। हमारा आविष्कार है। तो जाओ जाकर दुनिया वालों को बता दो आपकी डिस्कवरी। हाँ अभी बताते हैं, दुनिया को पता लगेगा हमारी महानता क्या है, हमारी कुशलता क्या है। चीका पीका रीका, चीका पीका रीका, चीका पीका रीका। कमाल है यार। वैसे यहाँ के लोग भी कितना खुश रहते हैं। नहीं हाँ, क्योंकि इन्हें टेंशन नाम की बीमारी नहीं है। अरे जॉनी, तू मेरे को टेंशन क्यों देता है यार? आजा बैठ जा, सूरज निकलने वाला है। उन तीनों को पकड़ने के लिए अब अगर मरना भी पड़ा तो हम मर जाएंगे, मगर छोड़ेंगे नहीं। अरे यार, तूने गलती से रिवर्स में गियर डाल दिया। हम लोग 10वीं सदी से दूसरी सदी में आ गए यार। काट 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 काट। ए, ये पीली की जगह लाल गाड़ी कहाँ से आ गई? और ये लोग कौन है? अरे ये तो सचमुच की फिल्म सिटी है यार, शूटिंग चल रही है ये तो। अरे प्रोडक्शन वाले कहाँ मर गए? हटाओ इन डबल्स को। अबे ये कैसा बर्ताव है इन लोगों का, जरा भी तमीज नहीं है।
Welcome to the 21st century. Yeah! ये क्या है? लगता हम सच में मर गए हैं। तो फिर ये चार चार यमदूत काहे के लिए आए हैं? इतने पाप तो हम नहीं किए हैं। बस बस और कुछ नहीं सुनना है हमें। वो भविष्य मानस राजकुमारियों को चुरा ले गए और आप लोगों को पता भी नहीं चला। वो भविष्य मानस हमारे सर का ताज चुरा ले गए और हमें भी पता नहीं चला। कितनी लज्जा की बात है ये। अरे वाह, हमको नहीं पता था कि नर्क इतना सुंदर होता है। एक और भविष्य मानस चिंदी बबूशा। हैं? चिंदी बबूशा नहीं, चिंदी भविष्य मानस। हम चिंदी चोर नहीं है। अच्छा, चिंदी चोर नहीं है? चोर नहीं है तो ये नर्क में क्या कर रहा है? ये नर्क नहीं, दसवीं सदी है। दसवीं सदी? इसका मतलब वो सही बोल रहे थे। वो कौन? वो तीनों। तीनों कहाँ है वो तीनों? हमका क्या खबर, हम तो खुद ही उनकी तलाश में इन नरक में आए हुए हैं। भविष्य मानस, हमने कहा ना, ये नरक नहीं है, ये दसवीं सदी है, ये छानपुरा है हमारी रियासत। सच? इसका मतलब हम मरे नहीं है, हम जिंदा हैं। अरे तब तो हम उन तीनों को नहीं छोड़ेंगे। वो तीनों यहीं आए थे, कहाँ हैं वो तीनों? 21वीं सदी में वापस चले गए। वापस चले गए, मगर कैसे? उसी दीवार से महाराज, उसी दीवार से जहां से वो आए थे और अब ये आए हैं। उस दीवार को अभी इसी समय तोड़वा दो। अरे काहे को अपना समय बर्बाद करते हैं, जब हमारी 21वीं सदी की मशीनें उस दीवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकी तो तेरी 10वीं सदी के ये कंकर पत्थर क्या कर लेंगे? उस दीवार के पार आदमी तभी जा सकता है जब उस दीवार की अपनी मर्जी में हो। तो क्या हम भूल जाएं अपनी बेटियों को? नहीं महाराज, आपकी ये दुर्दशा मेरे मेहमानों की वजह से हुई है, इसलिए इसका हल भी मैं ही निकालूंगी। अगर आप अपने गुरु मंत्र का प्रयोग करके इन्हें 21वीं सदी में भिजवा देंगे तो आप अपनी सारी जादुई शक्तियां खो देंगे। और अगर ऐसा नहीं किया तो राजकुमारियां अपनी सदी में लौट कर नहीं आएंगी। हमें ये बलिदान देना ही होगा। अरे साहब, कितना ढोंग धतूरा चल रहा है। नहीं, अब ये साड़ी पहन के आप हुआ चलेंगे, बच्चा लोग मजाक उड़ाएंगे आपका। अवश्य मानस। नहीं, हम ये कह रहे थे कि इतना मेकअप वेकअप काहे के लिए? आप अपनी बेटियों को खोजने जा रहे हैं कि अपने लिए 41वीं रानी लाने जा रहे हैं? अवश्य मानस, हम तो सिर्फ ये सोचकर परेशान हैं, हमारे यहाँ से चले जाने के बाद हमारा राज्य कौन संभालेगा? बहुत आसान बात है, हमारे यहाँ के नेता लोग जब जेल यात्रा भी जाते हैं तो अपनी धर्म पत्नी को गद्दी पे बिठाई देते हैं। आपके पास तो 40-40 है, बिठाई दो किसी एक को। भविष्य मानस, उचित कहा तुमने। क्या कहा? उचित। अच्छा, हमारे यहाँ से चले जाने के बाद हमारा राज्य आप संभालेंगी। जी महाराज। हिराका, हम तैयार हैं। महाराज, आपके पास केवल 12 घंटों का समय है और उसी समय में आपको अपनी बेटियों का पता लगाना होगा, वरना आप भी लौट कर नहीं आ पाएंगे। और जैसे ही आप अपना हाथ अपनी बेटियों के सर पर रखेंगे, आप सीधे यहाँ 10वीं सदी पहुंच जाएंगे। लेकिन याद रहे, अपनी दोनों बेटियों के सर पर हाथ
आपको एक साथ रखना होगा। हिराका, हम आपका योगदान जीवन भर नहीं भूलेंगे। आप शर्मिंदा कर रहे हैं महाराज। अब आप एक दूसरे का हाथ थाम लीजिए। दसवीं सदी ने 21वीं सदी का हाथ थाम लिया। इतने सारे लोग हमारे स्वागत के लिए और बिना घोड़ों के इतने सारे वाहन। बलिराम जी, इनसे कहिए कि बबूशा कहकर हमारा स्वागत करें। अरे साहब, ये आपका स्वागत नहीं कर रहे हैं, आपको गालियां दे रहे हैं। ये कितनी भीड़ जमा कर दिया है, अगर कोई जाए कि पागलखाने फोन कर दे तो आप सीधे पागलखाने पहुंच जाएंगे। और हम तो साबित भी नहीं कर सकेंगे कि आप पागल नहीं है, इसीलिए हम पहले मना किया था ये साड़ी पहन के मत चलो। साड़ी, ये तो है हमारा। ए कार्टून नेटवर्क, चल अभी रास्ता छोड़, बहुत देर हो गई, वरना दूंगा भी कान के नीचे बजा के। चल, चल, वर, हम चल, महाराज बबूशा है। अभी ये घोषाल को ताज वापस कर दे तो अपनी भी जान छूटे। ये घोषाल ने किस घोसले में अपनी ऑफिस बनाई है। वाकई। ये देखो यार। क्या हुआ? वो देखी बाबा। बाबा नहीं है ये चिंदी चोर है। लेकिन ये घोषाल के ऑफिस में क्या कर रहा है? बिड़ू जरूर कोई गड़बड़ है, यहीं ठहर कर देखते हैं। घोषाल बाबू, घोषाल बाबू। हाँ बोलो। चिंदी चोर अपना पैसा लेने को आया है। कौन सा पैसा भाई? कौन सा पैसा? एग्जीबिशन से ताज चुराने का पैसा। अरे कौन सा ताज का बात बोलता है तुम? अरे राजा बबूशा का नकली ताज चुराने का पैसा। नकली ताज? अरे किया नोगली ताज का बकवास तुम करता है, हमको कुछ भी नहीं मालूम। अबे कमीने, नकली ताज का इंश्योरेंस करवा के चिंदी चोर से चोरी करवाता है और फिर उसी ताज का इंश्योरेंस कंपनी से लाखों रुपया वसूल करता है। अभी जब चिंदी चोर का हिस्सा देने का बात आया तो बोलता है हमको कुछ नहीं मालूम। ये सीधी तरह चिंदी चोर का हिस्सा दे दे, वरना। वरना? वरना क्या करेगी तू? वरना चिंदी चोर पुलिस के पास में जाके पूरा पोल खोल देगा। तुम अगर पुलिस के पास जाएगी ना तो पुलिस सबसे पहले तुम ही को अंदर कर देगी और फिर पूछेगी कि वो तीन लड़का लोग किधर है। लेकिन वो तीन लोग तो गायब है। अगर तुमको मुझको फंसाना है तो नकली ताज चाहिए, लेकिन उस नकली ताज को तो हम नष्ट कर दिया है। और रहा वो ओरिजिनल ताज का बात, वो तो राजा बबूशा के साथ पहले ही नष्टो भ्रष्टो हो गया है। तो चिंदी चोर के साथ धोखा किया। चिंदी चोर तेरे को देख लेगा। देख लेगा। अरे तुम क्या हमको देखेगा? हम दुनिया को देखती है, दुनिया हमको नहीं देखती है। ईश, तुम लोग इधर क्या करता है? 1 2 3 4 5 6 इधर क्या देखता है भाई? घोषाल बाबू, हम तो आपको ये असली ताज देने आए थे। असली ताज? हाँ, और इसके चक्कर में न जाने हमको कितने पापड़ बेलने पड़े। बट नॉट टू वरी, एक बार तुझे एक्सपोज कर दे हमारा ट्रिप सक्सेसफुल। उरे बाबा, तुम हमको एक्सपोज करेगा? देखो भाई, हम नकली ताज को तो खा गया है, अब उस असली ताज को भी हम टकर जाएगा। हम तुमको यहाँ से जिंदा जाने ही नहीं देगा। ए मोटो शटो पर धागा लगे। अरे भाई, किसका भाई? उसको धरो। अरे उसको धरो। बहुत ही भले आदमी थे भले राम जी, इतने भले थे कि इनका नाम ही भले राम जी पड़ गया था। भले राम जी भले ही मर गए हो, परंतु तुम्हारा सत्यानाश हो। हा? 4 महीना पगार नहीं मिला तो साला हमारा श्राद्ध मनाना शुरू कर दिया। आप नरक से वापस आए गए? नरक से? अबे हम 10वीं सदी से वापस आए रहे। बहुत चालाक है वो भविष्य मानुष। भविष्य मानुष? अबे वो तीन चोर हम हुआ 10वीं सदी में पहुंचे तो वो भाग के ही आ गए, मगर अब हम उनको नहीं छोड़ूंगा। हमले की तैयारी शुरू करा।
शत्रु का आक्रमण, सेनापति, सेना को बुलाओ सेनापति, शत्रु का आक्रमण है। कौन बे? सेना। सिपाही? सिपाही नहीं भाई, इस इलाके का भाई हूँ मैं। परंतु हम तुम्हें जानते हैं। हमें सभी जानते हैं। लारे, चल उबले हुए अंडे, मैटर बोल मैटर। मैटर? अरे हाँ, क्यों चिल्ला रहा था? शत्रु, राजकुमारियां खो गई हैं। राजकुमारी? हमारी बेटियां खो गई हैं। अरे तुम्हारी बेटी राजकुमारी खो गई है तो मैं क्या करूं? पुलिस के पास जा। ला रहे हफ्ता ले। चलो जल्दी करो। पुलिस? हाँ हाँ पुलिस। अरे सुनिए, कहाँ भाग रहे हैं? सिपाही, हमारी बात सुनो सिपाही। चिंदी बताओ, वो तीनों मुजरिम कहाँ है? अरे बाबा बताया ना, वो घोषाल को ताज वापस करने के वास्ते गया है। झूठ बोलता है तुम। ए बुढ़िया बताओ, वो तीनों? बुढ़िया? बुढ़िया होगा तुम, तुम्हारा बेटी, तुम्हारा पूरा खानदान। अभी तुम दो मिनट के अंदर यहाँ से रफूचक नहीं हुआ तो डंडा की तरह डंडा की तरह इतना मारेगा तो राशन देना भूलेगा। अरे भाग गया। और भाई कलाकार। पुलिस जी, अच्छा हुआ आप हमें मिल गए। अच्छा, तेरे को मुझसे मिलकर इतनी खुशी हुई? जी हाँ, आप ही हैं जो हमें हमारी बेटियों को ढूंढने में हमारी सहायता कर सकते हैं। हमें हमारी बेटियां ढूंढ दीजिए, हम आपको ये उपहार देंगे। क्या है इसमें? ओए, सो किसके? ये दिन दहाड़े स्मगलिंग। रिश्वत दे रहा है सर, ले लो। नहीं नहीं, दिन में नहीं। ये माल कहाँ से लेके आए तू? ये माल नहीं, ये हमारे राज्य के 100% शुद्ध सोने के सिक्के हैं। तू मेरे साथ मेरे थाने चल, वहाँ 100% शुद्ध लोहे की सलाखें हैं। चल। अरे बाप रे बाप, उधर देखो कहीं भागते भागते पीछे तो नहीं छूट गया। पीछे दिखाई तो नहीं दे रहा है। बहुत ही लुच्चा लुच कैरेक्टर, लफंगा आदमी है। लफंगा? कमीना है, कमीना। सच बोलता है तुम। साला भगा भगा के थका दिया यार। अभी अभी थकने का नहीं, अभी तो बहुत दौड़ना है उसके पीछे। ए, नहीं भाई, मैं नहीं भाग सकता, बहुत हो गया। ए, तू क्या, तुम्हारा बाप भी पीछे दौड़ेगा? मेरा बाप तो भागते भागते ऊपर चला गया यार। देखो मेरा दिमाग को खराब मत करो, अभी आगे देखो, आगे तो नहीं है। देख लेता हूँ, ध्यान से देखो। किधर भागता है, किधर भागता है? हमको उसके पीछे जाना है, उधर जाओ। अरे धोरो इसको। रुकिए पुलिस जी, रुकिए। क्या हुआ? हमें निर्वृत्त होना है। निर्वृत्त? ओहो, 10वीं सदी का राजा, और तूने अंग्रेजी का बोर्ड भी पढ़ लिया? बोर्ड? वो क्या होता है? अबे तुझे ये कैसे पता चला कि ये पेशाब करने की जगह है? वो दुर्गंध से। अच्छा, मतलब बदबू से। देखिए, हमें जल्दी से निर्वृत्त होना है, वरना हम यहीं कर देंगे। नो, डोंट डू यहाँ, डू वहाँ, वहाँ, हाँ, और जल्दी आना। अंदर दासियों का प्रबंध होगा ना हमारे वस्त्र संभालने के लिए। एक बार थाने चल, सब अरेंजमेंट तेरे लिए। प्रबंध है कि नहीं? दासियां चाहिए साले, चिंती छोड़े। गड़ब बदल के भाग रहा था तू? ए अपुन का तो यही गड़ब है, माँ कसम। एक बार थाने चल, तुझे तेरी माँ क्या नानी याद करा दूंगा। चल तो सही। पुलिस जी, पुलिस जी, पुलिस जी। बंद कर दिया ना, ताला लगा दिया ना। हाँ गुड, तरक्की करोगे तुम। पुलिस जी, क्या है? हम हैं। ओए, तू कहाँ से आ गया? तूने बंद नहीं किया था इसको? मैंने तो बंद कर दिया था सर, पता नहीं कैसे बाहर आ गया। बड़ी तेज चल रही है ये तो। ये तो न्यूज चैनल से भी ज्यादा तेज है। एक मिनट में होलिया ही बदल लिया। पुलिस जी, आप स्वयं तो हमें दुर्गंध के पास छोड़कर आए थे। पर अब नहीं छोड़ूंगा, बंद कर देते। और ताले दो। पुलिस जी देखिए, हम यहाँ अपनी बेटियों को ढूंढने के लिए आए हैं। चिंदी चोर, पुलिस जी, शहर की बेटियां तुझे ढूंढ रही है। बात करें, कहने क्यों रहते हो? उनके बाबूशाह अंदर चल। देखिए अब पुलिस जी, चुप। पुलिस जी देखिए, बंधुवर, 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 कोई हमारी बात सुने, महाराज बाबूशाह के साथ ये बंधुवर। अबे बंधु, ए, कौन है तू? हम महाराज बाबूशाह हैं। और आप? मैं वो चिंदी चोर, चिंदी चोर।
हेलो गोसाल बाबू, वो तीनों चोर आपके पास आए थे? लगता है इसको नहीं पता असली बात। नहीं आए थे, लेकिन तुम एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम हमको ताज नहीं लौटाई तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। yes. लगती है अब, अरे वही तो कोशिश कर रहे हैं, काट दिया, काट दिया। अब कहाँ ढूंढने उन तीनों चोरों को, सब गड़बड़ हो गया। गोशाल के चक्कर में मसली ताज चुरा कर ले आए। अरे मैं तो कहता हूँ पुलिस के पास चलते हैं, और जब वो पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे कि 10वीं सदी से चुरा के लाए। गोशाल हमको सचमुच का चोर साबित करके अंदर करवा देगा और ताज भी ले लेगा। फिक्र मत कीजिए, भगवान भला करेगा। भला? अरे भलेराम जी, अरे भलेराम जी हमारी मदद कर सकते हैं। उन्होंने तो हमें दीवार के अंदर घुसते हुए भी देखा था। अगर वो किसी तरह पुलिस को जाके ये सब बता दें तो हम बच सकते हैं। हाँ यार, मैं फोन लगाता हूँ। अरे मिले का? अरे का मिले, वो लोग का इतना बेवकूफ है कि यहाँ हुआ टहलते हुए मिल जाए। चलो बैठो, हम तरीक होके आते। अरे दिन भर यही करते रहो, कुछ काम करो। तो काम है, काम है। अरे खबरी तकदीर जाग गई, हरामखोर खुद ही फोन किए हैं। हेलो बलराम जी, नमस्ते। अबे नमस्ते के बच्चे, कब तक वो ताज लेके भागता रहेगा? जब तक गोशाल की असलियत हम पुलिस को ना बता दे। हाँ असली चोर वही है। अच्छा, उसके लिए मैं आपकी हेल्प की जरूरत है। हमारी हेल्प? तो बेटो उसके लिए तो हमको तुमसे मिलना पड़ेगा ना। कहाँ हो तुम लोग? हाँ अच्छा, तो वही ठहरो, हम अभी आ रहे हैं। अच्छा आराम कर, हमसे मदद मांग रहे हैं। हेलो गोशाल बाबू, ये भलेराम जी कहाँ रह गए यार? हाँ तोरे पीछे। अरे भलेराम जी आप आ गए? हाँ आ गए उड़ के। हाँ वाह वाह, हम तो आए गए और तुम लोगों के जाने का समय आ रहा है। ताज कहाँ है? भलेराम जी असली ताज ये है, और जो ताज घोषाल के पास था ना हाँ। वो नकली था। और वो नकली ताज उसने खुद चोरी करवाया था। अच्छा? हाँ एक नंबर का फ्रॉड आदमी है वो। और तुम एक नंबर के शरीफ आदमी हो। तो क्या चेहरे से दिखता नहीं है क्या? बोलो। दिखता है ना कि तुम एक नंबर के चोर लुच्चे लफंगे भगोड़े हो, देश के जवानों के नाम पे कलंक हो, जहरीले सांप का डंक हो, और हम आम के सामने वादा करते हैं कि हम इन तीनों सांपों का डंक तोड़ देंगे। नहीं 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 नहीं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वही काम आपको करने का दरकार नहीं है, वही काम तो हम ही कर लेगा। ये कहां से आ गया? हम बुलाया है। लो गोशाल बाबू अपना ताज लो। बहताज। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? गोशाल बाबू इनके साथ का सुलूक किया जाए, मार दिया जाए कि तोड़ दिया जाए? देखिए भलेराम भाई, इनके साथ तो वही सुलूक किया जाएगी जो हम आपके साथ करेगी। हैंड्स अप, खड़े हो जा लाइन में। ए कितना गोली है? 6 है सरकार। या अरे भागो इसको, अरे हमारा ताज लेके दौड़ती है, भागो, अरे भागो ना भागो। अरे बाप रे बाप, उठो भौचाल, ताज होड़ा, ताज देश के नेता को धोखा देता है। सर सर का है, हम क्या करें सर? हम से पूछ रहे हो? अरे पकड़ो पकड़ो, तुम ताज लेके निकलो। वो लोग मेरे पीछे आएंगे, इसलिए इसे तुम रखो, चलो।
तीन फुट का आदमी, हमसे जो टकराएगा वैसे पानी में डूब के मर जाएगा। ले कैच किया, मिल गई, अरे मिल गई, अरे मिल गई, दिखाओ दिखाओ, अरे नहीं। बबूजा का ताज है, आती है। अरे मिल गया, अरे बबूजा आती है ताज। अरे ताज दे, ताज दे, अरे ताज दे। ये क्या किया मैंने? हम इतने को चिंदी तो मार। बाबले बाप कितना भेजा भेजा को मारता है। बाबले बाप महाराज आप आइए, घोषाल साहब आइए। अब छत्रीपाल की छत्र छाया में जेल की चक्की पीस। महाराज ये रहा आपका ताज। चल चल। लेकिन महाराज हमने तो हमारी बेटियां कहां हैं? हमने कहा हमारी बेटियां कहां हैं? पता नहीं, यहीं कहीं भीग रही होंगी। हमारी बेटियां कहां हैं? हमारे पास समय नहीं है। ये रही। रुको रुका, जुदाई, रुको रुको। बाबा यार, एक्सक्यूज मी। बता सकते हैं कि 10th सेंचुरी पब कहाँ है? अबे, अबे, ये तो वही है। हाँ? Yes! रुदाली, रुदाली! I will literally hold your chandy hand. I will be a gay, take you to the P.A.R.K. park. I'll K.I.S.S. kiss you in the D.A.R.K. dark. And then you will be M.I.N.E. mine. Mine, you'll be mine. Mine, you'll be mine. I will literally hold your chandy hand. I will T-A-K take you to the P-A-R-K park. I will K-I-S-S kiss you in the D-A-R-K dark. And then you will be M-I-N-E mine. When you're M-I-N-E mine, I'll let H-I-N-E shine. I'll love you all the T-I-M-E time. You're the P-E-S-T best of the R-E-S-T rest. I'll love you all the T-I-M-E time. तू है वही दिल भर मेरा, दुनिया में आए हैं तेरे।
freaky luck. You're my F-A-T-E fate. Be my D-A-T-E. Don't be L-O-T-E late. You will H-A-V-E have to be on T-I-M-E time. Girl, I'll take you out to D-I-N-E time. Take you to the PRK park. I will KISS kiss you in the TRK dark. And then you will be mine, 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 mine. Mine, you'll be mine. Mine, you'll be mine. When you're MINE mine, I'll let such INE shine. I'll LOVE love you all the TIME time. You're the BEST best of the RESD rest. I'll love you all the TIME time.